mm <laughs> शुरुआत करते हैं भाई क्लास की आ, तो स्वागत है आप सभी लोगों का अन अकेडमी के लेट्स क्रैक यू पी एस हिंदी के यूट्यूब चैनल में आ, इसके माध्यम से हम लोग आज की क्लास में कला एवं संस्कृति का एक तरीके से जो आप लोगों की परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न आने की संभावना है उसी का हम लोग अध्ययन करेंगे और आप लोग तैयार हो जाइए इसमें जो यूपीएससी के पूर्व के कुछ पूछे गए कला एवं संस्कृति से प्रश्न भी हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए कला एवं संस्कृति का एक तरीके से अध्ययन हम लोग करेंगे प्रश्नोत्तर शैली में एम के रूप में देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म और यहाँ पे जो प्रसिद्ध एजुकेटर हैं वो आप सभी लोगों के बीच में हैं आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं इसमें निरंतर मैं भी आपके सामने हूँ इसके अलावा वर्तमान में आप लोगों के बीच में कंबो एक्सटेंशन का बिग चल रहा है यानी वर्तमान में आप लोग यू के फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लेते हैं इस समय संस्थान में ग्यारह तारीख के पहले तक तो आप सभी लोगों को जैसे एक साल के कोर्स में एडमिशन लेते हैं या डेढ़ साल के कोर्स में तो आपको थ्री मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलती है अगर दो साल या तीन साल के कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो सिक्स मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिलती है इसमें एडमिशन लेते समय हमारा रेफरल कोड आपके सामने है एस एन जे डबल ई भी इसी का प्रयोग करना होता है इसी से आपको फीस में टेन परसेंट की छूट भी मिलती है और प्रॉपर हमारे गाइडेंस में सीधे आ जाते हैं आप सभी लोग इसके अलावा इसकी जो फी है वो आप लोगों के बीच में यहाँ पे मेंशन है एक साल डेढ़ साल दो साल और तीन साल का कोर्स है इसमें हमारा रेफरल कोड प्रयोग करेंगे आपको फीस में दस प्रतिशत की छूट हमेशा मिलती है और प्रॉपर हमारा गाइडेंस आपको मिलता है 11 मई तक फीस में ये छूट आपको मिल रही है इसमें आप सभी लोगों अगर एडमिशन लेते हैं वर्तमान में जैसे वन ईयर का यूपीएससी का सिलेबस है टू ईयर का भी कोर्स है थ्री 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 ईयर का कोर्स है एक साल का डेढ़ साल का टू दो साल का और तीन साल का कोर्स है ठीक है इसमें जैसे एक साल के कोर्स में आपको यूपीएससी का कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा दो साल तीन साल डेढ़ साल दो साल और तीन साल का भी कोर्स है और साथ साथ में आपको एक तो फीस में छूट भी इस समय मिल रही है और दूसरे ये आपको ऑफर भी मिल रहा है एक्स्ट्रा वैलिडिटी का एक साल में तीन महीने और डेढ़ साल में भी तीन महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी दो साल और तीन साल के कोर्स में छः महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिल रही है सबसे बड़ा बढ़िया समय चल रहा है ग्यारह तारीख तक एडमिशन ले सकते हैं काम टेस्ट तो वैसे आप लोगों के बीच में हो गया अगले संडे को भी होगा यहाँ पे लाइट के नाम से आप सभी लोग एक तरीके से यू प्रारंभिक परीक्षा के टेस्ट सीरीज में एडमिशन ले सकते हैं टेस्ट सीरीज में आपको जी का टेस्ट मिलता है और सीसीएड का टेस्ट मिलता है ये जो टेस्ट सीरीज है आपको सिक्स मंथ के रूप में मिल रही है वन ईयर के रूप में मिल रही है एडमिशन ले सकते हैं तीन से चार हजार के बीच में दोनों की फीस है इसमें भी हमारा रेफरल कोड आपके सामने है एस ए एन जे डबल ई भी इसका प्रयोग कीजिए इसी से आपको फीस में दस प्रतिशत की छूट मिलती है और सीधे हमारा गाइडेंस यहाँ पे मिलता है संस्थान में मार्क इंटरव्यू संस्थान में चल रहा है ज्वाइन कर सकते हैं यू का एक तरीके से फाउंडेशन बैच संस्थान में आइकोनिक कोर्स के रूप में होता है लाइव क्लासेज अनलिमिटेड एक्सेस के साथ में मिलती हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से इसमें आपको पढ़ाया जाता है जीरो लेवल से पढ़ाया जाता है अगर आप इंटरमीडिएट में भी हैं या ग्रेजुएसन में भी हैं तब भी बड़े आराम से तैयारी आप कर सकते हैं यहाँ पर पर्सनल कोच मिलता है समय समय पर आपको हर तरीके से आगे बढ़ाने का काम करता है मेंटरशिप प्रोग्राम है आपको प्रैक्टिस करने को मिलता है प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज मिलती है एंसर राइटिंग आपको यहाँ पे प्रॉपर करने को मिलता है स्टडी जो भी होगी उसका एक प्लान होगा सिस्टमेटिक तरीके से होगी उसका एक शेड्यूल होगा पहले से ही आपको बताया जाएगा सब कुछ उसके बाद में ओपन हाउस सभी एजुकेटर के साथ में मिल रहा है संस्थान में आप किसी भी एजुकेटर से पढ़ाई कर सकते हैं बातचीत कर सकते हैं और, और अन्य बातें यहाँ पे आप लोगों के बीच में जैसे वर्तमान में आप सभी लोग एडमिशन ले सकते हैं संस्थान में तो लोन के द्वारा भी ले सकते हैं और लोन का संस्थान कोई चार्ज नहीं लेता है और आराम से किस्तों में फीस जमा करके पढ़ाई कर सकते हैं थोड़ा पेपर वर्क आपको करना पड़ता है और थोड़ा लोन के अप्रूवल होने में टाइम लगता है आपका नया बैच रनिंग में है छ मई से ये बैच रनिंग में है फिर भी इसी वीक में नए वीक में एक नया बैच आने वाला है आप लोगों के बीच में हिंदी मीडियम का भी और ये संस्थान के बारे में अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पे और हम लोग क्या पढ़ेंगे हम लोग कला एवं संस्कृति को पढ़ेंगे ठीक है कला एवं संस्कृति आर्ट और कल्चर ठीक आर्ट और कल्चर को हम लोग पढ़ रहे नितिन सिंघानिया की बुक्स आ, आ, से भी यहाँ पे हमने प्रश्न लिए हैं और कुछ अन्य प्रश्न भी हैं ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कुछ अन्य प्रश्न भी हैं तो आप लोग तैयार हो जाइए क्लास को शेयर कर लीजिए अपने साथियों के बीच में अपने दोस्तों के बीच में आप सभी लोग जल्दी से क्लास को शेयर कर लीजिए और थोड़ा सा दीजिए ज्यादा नहीं और कैसे आप लोग सब लोगों का भोजन हो गया जब भोजन तो अभी नहीं हुआ होगा ना हाँ आप लोग तो बारह बजे भोजन करते हैं अच्छा है पहले पढ़ाई उसके बाद में भोजन स्टार्ट हाँ बीपीएससी का आज पेपर हुआ है मैंने अभी पेपर नहीं देखा है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमने जो इतिहास पढ़ाया है एक तरीके से आप सभी लोगों को चाहे वो एम के रूप में पढ़ाया हो थ्योरी के रूप में पढ़ाया हो निश्चित रूप से 80 प्रतिशत से ज्यादा प्रश्न तो आए ही होंगे आप लोगों को स्वयं ही पता होगा और करीब करीब 500 लोगों ने मुझे मैसेज करके भी बताया व्हाट्सएप करके भी बताया तो बस पढ़ते रहिए मन से पढ़ते रहिए देखेंगे कि आप लोगों को लगभग लगभग आपकी तैयारी अगर हो जाती है पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन भी यहीं से मिलेंगे क्योंकि सिलेबस से ही तो प्रश्न आएगा सिलेबस के बाहर से प्रश्न नहीं आएगा रही बात जो दो चार प्रश्न सही नहीं होते तो वो किसी के सही नहीं होते और उसका कोई मतलब भी नहीं है उसमें परेशान भी नहीं होना है हर कमीशन कुछ ऐसे प्रश्नों को बनाता है जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते जिनको आप खोज की भी उनका उत्तर नहीं निकाल सकते बहुत समय लगता है तो वो आपका काम नहीं है स्टेट कमीशन में होता क्या है थोड़ा मेरिट ज़्यादा जाती है करीब करीब 80 से पचासी प्रतिशत कई बार मेरिट चली जाती है लेकिन यूपीएससी में तो 50 प्रतिशत ही मेरिट रहती है फिफ्टी फिफ्टी फाइव सिक्सटी से ज्यादा तो कभी मेरिट गई नहीं फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री फिफ्टी फाइव दो हजार ग्यारह के बाद में एक बार छप्पन प्रतिशत मेरिट गई है बस तो अगर साठ प्रतिशत आप क्वेश्चन को कर लेते हैं प्रश्न को कर लेते हैं तो आप सिक्योर हो जाते हैं जैसे पीटी आप लोग देके आए प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम देके आए उसी समय थोड़ा सिक्योर हो जाना जरूरी है क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के बाद में स्टेट कमीशन की बात नहीं कर रहा लेकिन यूपीएससी की जो मुख्य परीक्षा होती है उसकी तिथि नियत होती है, और उसमें इधर उधर ज्यादा होने की संभावना नहीं होती हाँ कोविड के कारण जो है तिथि थोड़ा सा टली इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ तो यूपीएससी है जो एग्जाम कराएगा निश्चित समय पे करवाएगा निश्चित तिथि पे करवाएगा और निश्चित समय पे आपको फाइनल रिजल्ट भी देगा इसीलिए लोग इसकी तैयारी करते हैं क्योंकि हर साल रिजल्ट आता है स्टेट कमीशन में थोड़ा सा कई बार विलम्ब होता है लेकिन मुख्यतः कमीशन रेगुलर रहते हैं आप लोगों के बीच में तो आप अपने होम स्टेट के एग्जाम्स को दे सकते हैं होम स्टेट का अगर कोई इस पड़ोसी स्टेट है बढ़िया है हमें हमेशा रेगुलर रहता है एग्जाम्स होते हैं तो वहाँ भी दे सकते हैं जैसे बिहार पीसीएस है जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस है मध्य प्रदेश पीसीएस है राजस्थान पीसीएस है उत्तराखंड पीसीएस है उत्तराखंड तो उतना रेगुलर नहीं लेता लेकिन ये चारों लगभग लगभग रेगुलर रहते हैं तो एक स्टेट कमीशन भी आप लोग देते रहिए क्योंकि मुख्यतः उत्तर प्रदेश का सिलेबस तो यूपीएससी का ही टोटल सिलेबस और अन्य जो पीसीएस है उसमें थोड़ा सा रीजनल हिस्ट्री ज्यादा भूगोल और इकोनॉमी थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है लेकिन यूपीएससी का सिलेबस सेम लगभग लगभग स्टेट कमीशन यूपी का है तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न आपके सामने ध्यान से पढ़िएगा और फिर बताने का प्रयास कीजिएगा पढ़िए जरा ध्यान से पढ़िए और बताने का कोशिश कीजिए आप सभी लोग फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मन से पढ़िए और फिर उत्तर बताइए भागम भागी मत कीजिएगा नहीं फिर दिक्कत हो जाएगी क्या कला एवं संस्कृति है थोड़ा कठिन भी हो है सब लोग पढ़े भी नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है आज पढ़ लेंगे देखिए क्या होगा इसका उत्तर इस प्रश्न का इस प्रश्न का उत्तर कुछ लोग बता रहे हैं जैसे मांडवी शुक्ला लोग सही उत्तर बता रहे हैं ठीक है मोस्टली लोग इस प्रश्न का उत्तर सही विकल्प के रूप में बता रहे हैं ठीक है वेरी गुड बहुत अच्छी बात अच्छी शुरुआत अच्छी शुरुआत इसका उत्तर क्या होगा इसका उत्तर बी विकल्प के रूप में होगा क्या होगा इसका उत्तर बी विकल्प के रूप में इसका उत्तर सही होगा ध्यान रखिएगा आप सभी लोग इसके रूप में सही होगा बी विकल्प के रूप में आपका उत्तर सही होगा एक नंबर और दो नंबर की बात सही है तीन नंबर की बात गलत है तीन नंबर की बात क्या है गलत है एक नंबर की बात सही है दो नंबर की बात सही है ठीक है लोथल के बारे में बात किया जा रहा है किसके बारे में बात किया जा रहा है आप लोग लोथल लोथल एक स्थल है और कहाँ का स्थल है लोथल एक स्थल है और सैधव सभ्यता का स्थल है स्थल है सैंधो सभ्यता से संबंधित स्थल है इससे संबंधित स्थल है सैंधो सभ्यता से संबंधित स्थल है ध्यान रखिएगा आप सभी लोग और गुजरात में स्थित है गुजरात में स्थित है और ऑफ कैम्बे यानी खंभात की खाड़ी में स्थित है और यह है जो लोथल नामक स्थान है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है इसकी खोज आर राव महोदय ने की थी किसने इसकी खोज की थी एस आर राव महोदय ने इसकी खोज की थी यहाँ से जो एविडेंस मिलते हैं वो आप लोग देखते होंगे कि अग्निवेदिका यहाँ से मिलती है अग्नि कुंड का साक्ष मिलता है यहाँ से युग्म समाधियों का भी साक्ष मिलता है जुड़वा समाधियों का साक्ष भी मिलता है यहाँ से जो सबसे मजबूत और आधारभूत साक्ष मिलता है वो गोदीवाड़ा का साक्ष मिलता है गोदीवाड़ा क्या होता है गोदीवाड़ा बंदरगाह होता है या पोर्ट साइड इसे आप लोग बोलते हैं तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है मैनचेस्टर मतलब, मतलब है. है? है मतलब मैनचेस्टर का मतलब व्यापारिक स्थल है कैसा स्थल है व्यापारिक स्थल है मतलब सैंधव सभ्यता का जो व्यापार था वो एक तरीके से दो तरीके का व्यापार था सैंधव सभ्यता के लोग स्थल मार्गों से भी व्यापार करते थे और स्थल के अलावा जल मार्गों से भी व्यापार करते थे जल मार्गो से मतलब आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों तरीके का था ये वस्तुओं का आयात भी करते थे ये वस्तुओं का निर्यात दोनों करते थे और इसमें सबसे प्रसिद्ध व्यापारिक स्थल या बंदरगाही स्थल या पोर्ट साइड के रूप में जो प्रसिद्ध है वो लोथल प्रसिद्ध है इसीलिए इसको मानचेस्टर के नाम से पुकारा गया ठीक धौला बीरा आपके सामने है धौला बीरा नामक जो स्थल है आप लोग जानते हैं ये भी गुजरात में स्थित है धौला बीरा नामक स्थल भी कहाँ पे स्थित है गुजरात में स्थित है और इसकी खोज 1967 में जेपी जोशी ने की थी अन्य लोग भी इसमें खुशकर्ता के रूप में हैं। जो धौला है धौला का मतलब क्या होता है धौला का मतलब होता है सफेद बीरा का मतलब होता है कुआं। तो धौला बीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है धौला बीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफेद कुआं। क्या अर्थ होता है धौला बीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफेद कुआं ध्यान में रखिएगा आप सभी लोग तो ये धौला बीरा सेंडो सभ्यता की ऐसी पहली पहली साइट है पहला स्थल है जो तीन तीन लेयर में बटा हुआ है जो तीन चरणों में बटा हुआ है ऊपरी नगर मध्यम नगर और निचला नगर यहां से भी जो अग्निवेदिका का साक्ष्य है अग्निकुंड का साक्ष्य है सब रेगुलर मिलता है यहां से तो स्टेडियम का साक्ष्य भी मिलता है धौला बीरा है स्टेडियम का साक्ष भी मिलता है और यहां से आप लोग देखेंगे तो अभिलेख का साक्ष भी मिलता है 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 अभिलेख का तात्पर्य किससे साइन बोर्ड से ठीक है? और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे नवीनतम नगर है पिछली बार धौला बीरा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था और कालीबंगा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया कालीबंगा से पूछा गया था पिछली साल की बात बता रहा हूं तो यहां से क्वेश्चन रहता ही है इसलिए ध्यान से इसको समझ लीजिएगा तो यह सही है मामला हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल नहीं है हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल नहीं है तो हड़प्पा क्या है हड़प्पा अगर आप लोग देखेंगे तो ये पंजाब में राबी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा नामक स्थल की खोज 1921 में आप लोग जानते ही हैं कि दया राम महोदय ने किया था यहां से श्रमिक आवास का साक्ष्य मिला हुआ है यहां से अन्नागार का साक्ष्य मिला हुआ है यहां से आर सैतीस और एच नामक दो समाधियों का साक्ष मिला हुआ है तो ये सब साक्ष यहां से मिले हुए इसलिए यह मामला गलत हो गया ठीक अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट इसको जरा देखिए आप सभी लोग क्या हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर बिना गढ़ का मतलब तो बाद में ही बताएंगे सुरची अभी आप बताइए अभी तो नहीं बताएंगे अभी तो आप बताइए और नकल मत कीजिएगा आप सभी लोग ये टेस्ट हो रहा है ध्यान रखिएगा कोई चीटिंग नहीं करेगा चाहे वो उज्जवल हो चाहे वो मांडवी हो, या संस्कृति हो, या माही हो, या साकिर हो, कोई चीटिंग नहीं करेगा नहीं काफी स्नैचिंग कर ली जाएगी ध्यान रखना ये टेस्ट है और लास्ट में सब लोग मुझे कमेंट करके बताना जब क्लास खत्म हो जाएगी तो कमेंट करके बताना मैं और मेरी टीम आप लोगों के कमेंट को देखती है <coughs> चिंटी तुम्हारा गलत कैसे हो रहा है भाई मांडवी तुम्हारा कैसे गलत हो रहा है काफी लोग गलत बता रहे हैं कोई बात नहीं क्योंकि इसमें जो शब्द दिया हुआ है वो समझ में ही नहीं है, है? ऐसा कैसे हो गया आप लोगों के साथ बिना गढ़ के एकमात्र सिंधु सभ्यता का कौन सा नगर है तो ये जो नगर है वो चन्हु दड़ो है ठीक है कौन सा नगर है चन्हू दड़ो ड़ो जुड़ेर जोदड़ो मोहन जोदड़ो ये सभी नगर सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है समझते रहिएगा आप सभी लोग ये सभी नगर सिंध प्रांत में सिंधु नदी यानी इंडस रिवर के किनारे ये सब स्थित है मुख्यतया अब यहां पे कहा गया है बिना गढ़ी के कौन सा नगर है तो मुख्यतया आप लोग देखेंगे सेंधो सभ्यता का कोई भी नगर ले लीजिए सभ्यता के जितने भी नगर हैं यहाँ पे एक नगर हम हड़प्पा को रख लेते हैं ध्यान से समझिए समझिए अब प्रश्न के शब्द को तो ये ये जो हड़प्पा नामक नगर नगर है ये नगर दो इसकी संरचना पाई जाती है दो भागों में डिवाइड है मोहन जोतड़ो भी दो भागों में डिवाइड है सेंदो सभ्यता का एक ऐसा नगर है धौला जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया तीन भागों में विभाजित है एक ही नगर है वो जो दो भागों में विभाजित है लेकिन सैंदो सभ्यता के अधिकतर जो नगर हैं वो आपको दो भागों में विभाजित मिलेंगे कितने भागों में दो भागों में विभाजित हुए मिलेंगे अब इन दो भागों को यहाँ पे क्या कहा जाता है उच्चवा गढ़ी कहा जाता है उच्चवा गढ़ी कहा जाता है मतलब जो पश्चिमोत्तर नगर है उसको उच्चवा गढ़ी कहा जाता है या गढ़ कह सकते हैं आप सभी लोग और इसको निचला गढ़ी कहा जाता है निचली गढ़ी कहा जाता है गढ़ का मतलब क्या होता है गढ़ का मतलब दुर्ग से होता है या किला से होता है तो जो पश्चिमी नगर है मुख्यतः इसे ऊपरी नगर के नाम से जाना गया इसको निचले नगर के नाम से जाना गया अब ये जो संरचना है ये है एक तरीके से इधर की संरचना पश्चिम की संरचना ये इसक, इसका इसका दुर्गीकरण किया गया है इसकी चारदीवारी किया गया है क्यों क्योंकि यहाँ पे बौद्धिक वर्ग के लोग रहते हैं क्यों क्योंकि यहाँ पे योद्धा वर्ग के लोग रहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्लास वन के लोग रहते हैं इसका क्षेत्रफल ज्यादा नहीं है इसलिए इसको उचला नगर के नाम से जाना जाता है ये दुर्ग के रूप में है लेकिन अगर आप लोग इसकी चनु दड़ों की बात करेंगे तो न इसमें उचला नगर ही है न निचला गढ़ी है न उचला गढ़ी है न निचला गढ़ी है न उचला दुर्ग है न निचला ठीक ये है क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन इसको देखिए हड़प्पा मोहरों के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए हड़प्पा से जो सील्स हुई मिली हुई हैं मोहर मिली हुई हैं उसके बारे में विचार कीजिए जरा हड़प्पा मुहर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताइए इसमें जो कथन सही है वो डी विकल्प के रूप में सही है कैसे आइए देखते हैं डी विकल्प के रूप में आपका उत्तर सही है कैसे आइए देखते हैं कहा जा रहा है हड़प्पा मोहर की बात हो रही है हड़प्पा मोहर का मतलब सेल की बात हो रही है के बारे में आप लोग बताइए तो क्या हड़प्पा मोहरों पे जो भी प्रयोग किया गया है वो ब्राह्मी लिपि में ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलता है क्या ब्राह्मी खरोस्ती ग्रीक आर्मिक ऐसी कोई लिपि है क्या तो ऐसी किसी लिपि में हड़प्पा मुहरों पे लिखावट का प्रयोग नहीं मिलता ठीक है ध्यान में रखिएगा जो हड़प्पा काल की लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है ही नहीं जो स्क्रिप्ट UH है वो ब्राह्मी नहीं है तो हड़प्पा की जो लिपि है वो किस प्रकार की है वो चित्रात्मक प्रकार की है कैसी लिपि है हड़प्पा की चित्रात्मक प्रकार की है ठीक है हड़प्पा की जो लिपि है वो चित्रात्मक प्रकार की लिपि है पिक्टोग्राफिक फॉर्म में है ठीक है हड़प्पा की जो लिपि है वो चित्रात्मक प्रकार की है जैसे मान लो कोई सील होगी या मोहर होगा ये मान लो एक सील है एक मोहर है एक ठप्पा है आप लोग आई बन जाएंगे तो आपकी अपनी मोहर हो जाएगी आधिकारिक मोहर हो जाएगी उसमें डेट रोज बदलती रहेगी नाम और जिला अधिकारी के रूप में या जिस भी अधिकारी के रूप में हो आपका चलेगा तो इस पे किस में लिखा रहता है आप लोग जानते ही देवनागरी लिपि वर्तमान में चल रही है तो उसी में लिखा रहता है लेकिन जो हड़प्पाई लिपि है वो चित्रात्मक प्रकार की है इस पे अगर फूल फल चित्र बंद जंगल पेड़ पौधे इस तरीके से इस इसपे निशान बने हुए हैं तो इस लिपि को आज तक कोई भी इतिहासकार पढ़ नहीं पाया है हड़प्पाई लिपि जो चित्रात्मक प्रकार की है इसीलिए इसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है आई महादेवन क्या नाम है आई महादेवन आई महादेवन साहब ने इसको पढ़ने का प्रयास किया था लेकिन ये अभी सक्सेस नहीं हुए थे आपके यहाँ का क्वेश्चन है एक दो साल पहले का ये हड़प्पाई लिपि को किसने पढ़ने का प्रयास किया था लेकिन सफलता हाथ नहीं मिली थी तो आई महादेवन नामक इतिहासकार ने पढ़ने का प्रयास किया था लेकिन सफल नहीं हुए थे तो ब्राह्मी लिपि का कहीं उल्लेख ही नहीं मिलता सैन सभ्यता में ये तो अशोक के समय से ठीक तरीके से ब्राह्मी खरोष्ठी ग्रीक आर्मेक जो उसके अभिलेख हैं वो इन सब लिपियों में आपको मिलते हैं तो ये क्या हो गया ये गलत हो गया तो ना तो एक सही है और इनका उपयोग मुख्यतया धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था नहीं नहीं मोहरों का प्रयोग मुख्यतः धार्मिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाता था व्यापार वाणिज्य आर्थिक सांस्कृतिक राजनीतिक अन्य परिपेक्ष में किया जाता है और लिपि का अध्ययन किया ही नहीं गया इसलिए स्पष्ट रूप से कह नहीं सकते तो ना एक सही हो गया और ना दो विकल्प आपका उत्तर सही हुआ जरा पढ़िए इसको ध्यान से बताइए भाई इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है इसमें उत्तर आपका डी विकल्प के रूप में होगा शुरू मतलब सुरुचि इसके रूप में होगा बाबू डी विकल्प के रूप में आपका उत्तर सही होगा सभी बातें इसमें सही हैं निम्नलिखित पर विचार कीजिए करते हैं विचार ठीक है और विचार करने के बाद में कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से खुदाई में प्राप्त किए गए हैं तो क्या प्राप्त किया गया है आप लोग जानते ही हैं कांसा एक धातु होती है क्या होती है कांसा एक धातु होती है इसको आप लोग क्या बोलते हैं ब्रांज बोलते हैं ब्रोंज बोलते हैं और जो ब्रोंज है ये आप लोग देखते होंगे कि ये कांपर से और टिन से मिलके बनता है किस से बनता है कांपर और टिन से मिलके बनता है यानी तांबा और टिन से मिलके बनता है तो जो कांसा नामक धातु है इसको सेंधो बासियों ने ही बनाया था सर्वप्रथम और सेंधो बासियों ने केवल भारत के लिए नहीं पूरे 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 विश्व के परिपेक्ष में इसको आप समझते रहिएगा कांसा पूरे विश्व को किसने दिया सेंधो पीपल्स ने दिया सेंधोबासियों ने दिया और कांसा में एक मिश्रित धातु दो मिश्रित धातुएं होती हैं तांबा और टिन से एक तरीके से कांसा बनाया जाता है ब्रांज बनाया जाता है मोहम्मद बिन तुगला कालांतर में आता है तो चांदी के स्थान पे कांसे का सिक्का जारी करता है जिसको टोकन करेंसी कहा जाता है या सांकेतिक मुद्रा कहा जाता है ठीक है ध्यान रखना आप सभी लोग तो कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है कहाँ से मिली हुई है कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है वो मोहन से मिली हुई है मोहन जोदड़ो कहाँ पे स्थित है मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है ना और सिंधु नदी के किनारे स्थित है 1922 में मोहन में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी राखाल दास बनर्जी यानी आर डी बनर्जी साहब ने की थी अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो प्रोफेसर मार्सल को ये जो नर्तकी है वो मिली हुई है नर्तकी की स्थिति के बारे में आप लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें चित्र दिया हुआ है भाई वो यहाँ तक क्या अपने हाथों में चूड़िया पहनी हुई हैं यहाँ पे करधनी पहनी हुई है यहाँ पे एक तरीके से गले की मेखला भी उसने डाल रखी है बाल में पीछे जूड़ा आप लोग भी बांधते होंगे जूड़ा उसने बांध रखा है अपने एक हाथ को उठाया है और एक हाथ को कमर पे रखा है देखो डांसिंग कंडीशन में हम ही आ गए आप लोगों के सब है ना आप लोग भी डांस करते होंगे एक पैर को आगे रखा एक को पीछे रखा ये होता है क्या डांसिंग कंडीशन तो ये यहाँ से मिला है गजीफा कार्ड आप लोग जानते हैं कि ये भी सेंधो क्षेत्र से मिला हुआ है इसमें बहुत सारी बातें लिखी जाती हैं दाढ़ी वाले पुजारी की एक मूर्ति मिली हुई है केवल दाढ़ी इतना क्षेत्र मिला हुआ है बस इसके बाद में पुरुष धड़ मिला हुआ है पुरुष का आधा धड़ भी मिला हुआ है सेंधो क्षेत्र से ये सब मिले हुए हैं और इसको देखिए निम्नलिखित जानवरों पर विचार कीजिए ओहो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर पाया जाता है गुड क्वेश्चन बताइए तो भाई आप सभी लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा गलती मत करिएगा इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उत्तर वही बता पाएगा जो सेशन को लाइक किया होगा अगर मेरी बात मत मानिए तो आप लोग ट्राई कर लीजिए जो सेशन को लाइक किया होगा वही उत्तर बता सकता है बाकी बहुत मुश्किल है क्योंकि सुनील ने कुछ जादू किया है ना क्यों सुनील अंजनी क्या होगा उत्तर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हाँ किंजा तभी तो तुम्हारा सही भी हो रहा है तो जो लोग लाइक करके उत्तर दे रहे हैं देखो सही हुआ किंजा कि नहीं तुम्हारा बताओ हुँ? है कि नहीं जो लोग लाइक करके उत्तर दे रहे हैं उनका सही हो रहा है है ना जो लोग लाइक नहीं किए होंगे वो भी लाइक कर लें आगे उनका भी सही होगा है ना तो किसके रूप में सही हुआ सी विकल्प के रूप में उत्तर सही हुआ भारत के राष्ट्रीय प्रतीक की बात की जा रही है सारनाथ के चिन्ह की बात की जा रही है ठीक है तो इसमें एक दो तीन चार की बात शामिल है बैल का आकार यहाँ पे नहीं मिलता शेर है घोड़े की आकृति मिलती है बाघ और हाथी की आकृति मिलती है ठीक अगला क्वेश्चन अच्छा ये जैक है जैक मौर्या है क्या हुँ? दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले ओके ओके बताइए भाई इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या होगा इसका उत्तर ओहो। इस मुद्रा को बुद्ध ने सारनाथ में अपने पहले उपदेश के दौरान प्रदर्शित किया था और इसमें दोनों हाथ शामिल हैं ठीक है ये आपका उत्तर क्या सही हुआ आपका उत्तर इसमें डी विकल्प के रूप में सही हुआ इसके रूप में सही हुआ डी विकल्प के रूप में सही हुआ आप लोग जानते ही हैं कि महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के एक तरीके से संस्थापक थे और प्रवर्तक दोनों थे महात्मा बुद्ध का बचपन में नाम सिद्धार्थ था बाद में इनको तथागत या अन्य नामों से भी जाना गया तो महात्मा बुद्ध ने आप लोग जानते ही हैं कि तपस्या किया और उसका फल मिला सत्य की प्राप्ति इनको हुई तो जब सत्य की इनको प्राप्ति हुई तो ये सारनाथ पहुंचे और सारनाथ में पांच ब्राह्मण सन्यासियों को इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया पांच ब्राह्मण सन्यासियों को सन्यासियों को क्या किया इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया पहला उपदेश दिया ठीक है अब इसी को अगर आप लोग देखेंगे तो बुद्धिज्म में क्या कहा जाता है फर्स्ट शर्मन यही सारनाथ में डिलीवर किया इसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है क्या कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग उपदेश के दौरान प्रदर्शित किया था और इसमें दोनों हाथ शामिल हैं ठीक है कि धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा में ही विकल्प आपका उत्तर सही हुआ अगला क्वेश्चन वेरी hmm. गुड इसको देखिए आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है हम्म और थोड़ा चर्चा में है तो यह क्वेश्चन सकता है चर्चा में भी है प्रश्न आपके सामने कुछ ना कुछ इधर उधर करके आभी सकता है इस साल भी ध्यान रखना कैसे चर्चा में मैं आपको बताता हूं ई नहीं होगा क्या नाम है उत्तर भाई उत्तर नहीं होगा तो इसमें क्या होगा मैं तो एक तरीके से बी उत्तर होगा जयक लाइक कर लिए क्या हाँ, सही हो गया होगा फिर तो इसमें क्या कहा जा रहा है कैलाश पर्वत की बात हो रही है कैलाश पर्वत कहीं ना कहीं भगवान शंकर का निवास स्थान था था क्या था? निवास स्थान है हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत की बात हो रही है यहीं पे वास करते थे भगवान शंकर और महारानी पर्वती या देवी पर्वती पार्वती तो पार्वती माता और भगवान शंकर का एक तरीके से निवास या वास स्थान था और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि भारतीय मूर्तिकला की उत्कृष्ट कृतियों में से एक है तो अजंता में भी मूर्तिकला के साक्ष मिलते हैं एलोरा में भी साक्ष मिलते हैं और अजंता और एलोरा दोनों महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित लेकिन ये जो साक्ष मिल रहा है एलोरा का ये अगर आप लोग देखेंगे ये जो साक्ष मिल रहा है ये एलोरा से मिल रहा है और ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है ठीक है और औरंगाबाद वर्तमान में चर्चा में है आप लोग जानते ही हैं कि क्यों चर्चा में है तो इसलिए इसको याद भी रखिएगा इसको देखिए वेरी इंपॉर्टेंट कौन बता सकता है अनीता बता सकती हैं या जंकर बता सकते हैं कैरी मिनाती मिस्टर साकिर अंसारी एलोन मिस बंदना एंड नीरज गौरव आस्तोस कौन बता सकता है इसका उत्तर इसमें हैदम कौन है बहादुर इस बार तो सही हो गया आप लोगों का इस बार सबका सही हो गया लेकिन ये मीनाती तुम्हारा कैसे गलत हो रहा है बाबू नुसरत नीरज प्रेम मौर्या और किसका नाम नहीं लिया जाता क्लास में जल्दी जल्दी बताओ एक बार मुझे आप लोग ये बता दो किसका किसका क्लास में नाम नहीं लिया जाता हुँ? बिंदु निषाद हाँ किंजा तुम्हारा सही है किसका किसका नाम नहीं लिया जाता भाई हु? अच्छा मनोज तुम्हारा चलो अब हो गया तुम्हारा गौरव शुक्ला तुम्हारा भी हो गया और सुरुचि का नाम भी नहीं लिया जाता सादिया प्रवीण का नहीं लिया जाता नाम चलो आज सब का नाम हो जाएगा गौरव शुक्ला हो गया तुम्हारा भाई सिकंदर तुम्हारा भी हो गया नाम भाई गोलू शर्मा शुभम सोनी ओके ओके शुभम आर्यन हाँ आर्यन तुम्हारा तो नाम विजय ओके ओके राजदेव कनौजिया ओके मिशन यूपीएससी जूही रोहित आकाश नैन्सी हाँ इन सब का नाम लिया जाता है बताओ जो लोग जो लोग नाम वाले हैं वही कह रहे हैं अच्छा आई एस लेट्स क्रैक ड्रीम वाले भैया तो आपका नाम है ही नहीं है उसमें नाम तो लिखो हाँ कई बार जो नाम नहीं रहता तो क्या किया जाए बताओ अरे मैं सबका पढ़ भी नहीं पाऊंगा लग रहा है अच्छा सत्यम शर्मा ओके ओके इसमें क्या होगा भाई क्वेश्चन ये तांबे की पट्टिका है ठीक है किसकी पट्टिका है तांबे की तांबा का मतलब कांपर की पट्टिका है, का मतलब है यानी एक सिला लेख है पूर्व अशोक काल का है ठीक है जिसमें मौर्य साम्राज्य के अकाल राहत पूर्व अशोक काल का मतलब मतलब अशोक के पहले का है ऐसा अच्छा वो नहीं कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का नहीं है कह रहा है अशोक के पूर्व यानी वो चंद्रगुप्त तो मौर्य के समय का हो सकता है अशोक के पिता बिंदुसार के समय का हो सकता है लेकिन मोलता ये जो पट्टशिला लेख है ये किसके समय का मिला हुआ है ये एक तरीके से चंद्रगुप्त तो मौर्य के समय का मिला हुआ है इसका नाम क्या है इसका नाम है सोह गौरा तो गौरा, मतलब ये जो शिलालेख मिला हुआ है ये सोह गौरा मतलब गोरखपुर से मिला हुआ है और वर्तमान में भी गोरखपुर में इसका अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है ध्यान रखिएगा आप सभी लोग इसमें किसकी बात की जा रही है इसमें अकाल राहत की बात की जा रही है तो वर्तमान में आप लोग जानते ही हैं कि आपदा प्रबंधन है ना आपदा प्रबंधन को यूपीएससी के सिलेबस में शामिल किया गया क्यों क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती हैं और वहां पे मेन रोल किसका होता है आप जैसे प्रशासनिक अधिकारियों का होता है तो आपदाओं पर रोक कैसे लगाया जाए या जो आपदा आ गई तो राहत सामग्री की क्रिया पद्धति ये इंटरव्यू में भी मुख्यतः प्रश्न पूछा जाता है आपदा प्रबंधन से इंटरव्यू में आपसे एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा ध्यान रखना आप सभी लोग इससे बच नहीं सकते इससे बच नहीं सकते और सबसे ज्यादा जो काम होता है भारत सरकार की योजनाओं या विपरीत स्थितियों में काम करने का वो आप लोगों का ही होता है तो ये जो मिला है और ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है ये सोह गौरा है तो सोह गौरा नामक जो स्थान है वो गोरखपुर में स्थित है सोह गौरा और महास्थान महास्थान तो बं, बंगाल में स्थित था पहले लेकिन अब बांग्लादेश में स्थित है तो सोह गौरा और महास्थान दो तो ऐसे अभिलेख हैं या एक तरीके से दो ऐसे अन्नागार हैं या बेयर हाउस हैं या गोदाम हैं जहां से मौर्य सम्राट अशोक मौर्य सम्राट अशोक के एक तरीके से अन्नागारों का साक्षी इन स्थानों से मिला है तो गोरखपुर और महास्थान बांग्लादेश तो अन्न भंडार या गोदाम का साक्ष मिला हुआ इसका मतलब जो मौर्य शासक चंद्रगुप्त था ये एक तरीके से आप लोग देखेंगे तो अखिल भारतीय शासक था इसने अफगानिस्तान के कई क्षेत्रों पर राज कर लिया था आप लोग जानते ही हैं जैसे काबुल है कंधार है मकरान है जेड्रोसिया है ये सब क्षेत्र जेड्रोसिया तक आप लोग मकरान तट तक ये चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था और दहेज में मिला था आप लोग जानते ही हैं सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का जब विवाह किया तो दिया था एक संधि हुई उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था दहेज में क्योंकि सेल्यूकस के कब्जे में ये सब क्षेत्र थे और सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था तो इतना बड़ा साम्राज्य तो अंग्रेजों का भी नहीं था सोह तो सोहगौरा महा से अन्नागारों का साक्ष्य मिलता है अन्न कोठारों का साक्ष्य मिलता है हाउस का साक्ष्य मिलता है गोदाम का साक्ष्य मिलता है कि मौर्य काल में अगर कभी सूखा पड़ता है या कभी आपदा की बात आती है तो विपरीत स्थितियों में वहां पे अनाज का भंडारण किया जाता था और कोल्ड स्टोरेज और विपरीत स्थितियों में उसका प्रयोग किया जाता था लेकिन 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 एक अपवाद आपको बताता तो। हूं जो चंद्रगुप्त तो मौर्य शासक था शासक बना पाटलिपुत्र को आगे बढ़ाया लेकिन उसके आखिरी टाइम पीरियड में पाटलिपुत्र में ही बड़ा भयानक का अकाल पड़ा और 12 वर्षों का अकाल पड़ा था उस अकाल से निपटने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो ज्ञान विज्ञान सारी बातें थी वो फेल हो चुकी थी चारों तरफ त्राही माम की स्थिति थी चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं घबरा गया था कि ये अकाल ठीक ही नहीं हो रहा है द्रवित हो गया चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना सिंहासन अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में त्याग दिया और इस समय एक जैन मुनि को बुलाया जिसका नाम था भद्रबाहु समझते रहिएगा एक्सप्लेनेशन समझना तभी इतिहास समझ में आएगा ये नहीं कि हाँ बस क्वेश्चन देखा और हवा हवाई उड़ गए आप लोग ऐसा मत कीजिएगा एक्सप्लेनेशन इतना सब बोलना आप जान जाएंगे तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता ना प्री में रोक सकता है ना मेंस में रोक सकता है मेंस में भी तो चार दस लाइन आपको जानना ही पड़ेगा तभी तो लिखेंगे तो जानना पड़ेगा आपको याद करना पड़ेगा तो भागम भागी मत कीजिएगा एस एस सी की क्लास नहीं है मैं पहले बता दे रहा हूँ एस एस सी और बैंक की क्लास नहीं है कि विटामिन सी से क्या फ़ायदा होता है गए इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन भी हमारी क्लास में होगा तो उसको दस मिनट हम एक्सप्लेन करते हैं ये समझ जाइएगा आप लोग एक घंटे में पाँच क्वेश्चन हो पाता है इससे ज़्यादा नहीं हो पाता मुझसे पांच क्वेश्चन से ज्यादा एक्सप्लेन नहीं हो पाता एक्सप्लेन तो करने की क्षमता होनी चाहिए तब ना एक्सप्लेन होगा और वही आपके काम आएगा लेकिन जो आदत पड़ी है क्वेश्चन देखिए उत्तर बताए गलत हुआ सही हुआ ना क्वेश्चन समझ में आया ना उत्तर समझ में आया और जो उत्तर है वो भी नहीं समझ में आ रहा है जो क्वेश्चन क्या पूछा है वो भी नहीं याद किए आगे बढ़ गए ऐसे होता है यूपीएससी में सिलेक्शन कभी नहीं होता ऐसे तो मन में थोड़ा सा अपने मन को रोकिए कुछ पॉइंट को याद कीजिए कि सोह गौरा क्या है महास्थान है गुरु जी क्या बता रहे हैं क्वेश्चन क्या पूछा है उत्तर क्या सही होगा थोड़ा मंथन करेंगे थोड़ा चहल कदमी करेंगे अपने दिमाग की तभी तो उसमें कुछ बसेगा कुछ रहेगा कुछ रुकेगा नहीं तो भूल जाएंगे तुरंत है ना ये यूपीएससी है कठिन चीज है सोह गौरा महास्थान अन्नागार के भंडार मिलते हैं इसको देखिए एक काफी पेस्ट वाले भैया मंत्रालय वाले ऐसा मत करो पढ़ने दो भाई बच्चों को पढ़ने दो पढ़ने दो उनके चैट में उत्तर देते हैं मैं देखता हूँ आप ही काफी पेस्ट करते रहेंगे बाबू तो कैसे देखेंगे हम बताओ हम्म ध्यान से पढ़िए इसको सभी लोग मंदिर वास्तुकला की खजराहो स्टाइल के बारे में विचार कीजिए और बताइए कौन सा मामला सही है कौन सा मामला गलत है ये पूछा है ये पूछा है कि कौन सा मामला गलत है अभी बुक के बारे में बता देते हैं चिंता मत कीजिए बताते हैं अभी कौन सी किताब लेना है दसवां क्वेश्चन है आपके सामने प्रगति पर दसवां क्वेश्चन है मैं बताऊंगा संजय यादव थोड़ा सा अभी उत्तर बताइए फिर मैं बताता हूँ कौन सी बुक लेना है कला एवं संस्कृति में चिंता मत कीजिएगा मंदिर वास्तुकला की शैली है ठीक है और एक खजुराहो शैली है खजुराहो आप लोग जानते हैं मध्य प्रदेश में मुख्यतः स्थित है इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए क्या सही नहीं है इसमें क्या सही नहीं है और इसमें आप लोग देखेंगे ना ए ही सही है ना बी ही सही है कोई विकल्प इसमें सही नहीं है इसमें ना एक नंबर की बात सही और दो नंबर की बात तो गलत होती है आप लोग जानते ही हैं तो खजुराहो शैली मंदिर स्थापत्य की एक शैली है इसके अंतर्गत हिंदू और जैन मंदिरों को बनाया गया नहीं, नहीं। ऐसा नहीं है हिंदू और जैन मंदिरों को नहीं बनाया गया हिंदू और बौद्ध मंदिरों को बनाया गया ध्यान रखना आप सभी लोग मंदिरों की बाहरी दीवारों को भव्य रूप से सजाया गया है जबकि आंतरिक दीवारें सादी आंतरिक दीवारों को खूब सजाया गया इसमें खजुराहो स्टाइल में तो इसीलिए दोनों बातें गलत हो गई हाँ इसको पढ़िए आप सभी लोग निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और बताइए कि प्राचीन भारत में तक्षशिला विश्वविद्यालय से जुड़े थे कौन जुड़ा था चाणक के चरक पाणनी या जीवक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाकई अब देखो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है मैं आपको कम से कम पचासों बार पढ़ाया हूँ आज की क्लास में भी बहुत धर्मों को पढ़ाया और बताया आपको अब सिंपली क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो थोड़ा कठिन आपको लग रहा होगा तो जैसे थ्योरी की क्लास रहती है ना उस समय आप लोग हमारी क्लास में रहा कीजिए तो पूरा मन को अगर एकाग्र किए रहेंगे तो आपसे कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं पढ़िए और बताइए मैं हटता हूँ हाँ नहीं तो आप लोग नाराज भी हो जाते हैं क्यों गौरव आनंद कपूर कपूर आनंद बताइए भाई सभी लोग क्या हो सकता है माही इसका उत्तर ओनली आईएस ओके okay, ओके okay, मनीष सिंह चित्र प्रकाश सिंह विनय प्रकाश सिंह शुभम त्यागी नीरज चिंटी किंजा सादिया लेट्स क्रैक वाले भैया बताइए तो ईतल सिंह क्या हो सकता है इसमें उत्तर संजय यादव क्लास चलता रहेगा आज दो तीन बजे तक पढ़ाई करेंगे आज संडे है निश्चित रूप से आप लोगों में खूब घूमा टहला होगा कुछ अच्छा बनाया होगा खाया पिया होगा तो इसलिए खूब घूमे भी हैं अच्छा से खाए पिए भी हैं और अच्छे से फिर आज पढ़ाई भी करते हैं क्यों फिर अच्छे से क्या करते हैं अच्छे से आज पढ़ाई भी करते हैं इसमें चारों विकल्प उत्तर के रूप में सही है दक्षशिला विश्वविद्यालय में चारों ये जो आचार्य हैं ये पढ़े लिखे हैं और चाणक्य तो शिक्षक भी हैं और ये लोग भी हैं तो ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के परिपेक्ष में एक दो तीन चार चारों बातें इसमें सही हुई ये विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं अब ये तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां है तो देखिए आप सभी लोग तक्षशिला विश्वविद्यालय ये उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में एक महाजनपद मिलता है इसका नाम है गंधार क्या नाम है गंधार और इसी गंधार की राजधानी है तक्षशिला इसी गंधार की राजधानी है क्या है तक्षशिला और इस राजधानी का निर्माण किसने किया था यहाँ के राजा तक्ष ने किया था तो तक्ष ने निर्माण किया इसीलिए इसका नाम तक्षशिला पड़ गया अगर आपसे पूछे दूसरे क्वेश्चन के रूप में भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है तो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय यही है सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय यही है ध्यान रखना आप सभी लोग इससे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय भी नहीं है सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय जो गंधार प्रांत में स्थित है तो सबसे बड़ा जो प्राचार्य था आचार्य था वो तो आप लोग जानते ही हैं कि चाणक्य है कौटिल्य है इसी विश्वविद्यालय का प्राचार्य है और आप लोग जानते ही हैं कि घन नंद जो नंद वंश का शासक था बड़ा अत्याचार किया था इस ब्राह्मण के ऊपर जब अत्याचार किया और दरबार से भी निकाल दिया तो इन्होंने भी एक तरीके से कसम खाली कहते हैं ब्राह्मण जब कसम खाता है तो फिर जानते ही हैं। कसम खाली कि तुम्हारा समूल नष्ट करेंगे अब इसी बीरा, इसी की स्थिति इस में आचार्य चाणक इस विंध्याचल के जंगल में अपना घूम रहे थे अचानक इनको एक गांव के आसपास में चंद्रगुप्त तो मौर्य एक बच्चे के रूप में राजकीलम नामक खेल खेलते हुए मिल गया चंद्रगुप्त तो अपने माँ बाप से प्रारंभ में ही बिछुड़ चुका था तो खरीदा टंका देके खरीदा और खरीदने के बाद में कुछ सिक्के देके खरीदा टंका अभी नहीं है यहाँ पे टंका नामक सिक्का अभी यहाँ पे नहीं है खरीदा और खरीदने के बाद में यही तो ले गया था तक्षशिला विश्वविद्यालय में तक्षशिला विश्वविद्यालय में अगर आप लोग देखेंगे तो जो प्राचीन भारत में जैसे शिक्षा दी जाती थी आप तो आई एस बनने की शिक्षा ले रहे हो लेकिन उस समय तो क्या था उस समय तो आई एस का कोई मामला नहीं हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रशासन है वही पहली बार एक अखिल भारतीय या केंद्रीकृत प्रशासन के रूप में आता है वहां भी है यूपीएससी ऐसी बात नहीं है लेकिन ले गया तो यहाँ पे तक्षशिला विश्वविद्यालय में तलवारबाजी की शिक्षा दी जाती है घुड़सवारी की शिक्षा दी जाती है और चंद्रगुप्त मौर्य को इसने घुड़सवारी या तलवारबाजी की शिक्षा दी उसमें पारंगत हासिल हो गई तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती है और ये चरक जो महान शल्य क्रिया का जनक है पहला चिकित्सक है पाणिनि पाणिनि के बारे में कहा जाता है कि महान व्याकरणाचार्य हैं भारत के सबसे पहले व्याकरण विद यही हैं पाणिनि और पाणिनि ने एक ग्रंथ लिखा था इनका नाम क्या है इनका नाम है अष्टाध्यायी पाणिनि पाणिनि ने एक ग्रंथ लिखा था इस ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी तो पाणिनि भारत के पहले व्याकरणाचार्य हैं और इनकी जो पुस्तक है अष्टाध्याय व्याकरण से संबंधित पहला ग्रंथ है और चरक ने भी चरक संहिता लिखी है के जनक है ये चरक। इसके बाद में हैं तो जीवक के बारे में आप लोग जानते ही कि ये, ये एक तरीके से जीवक ब्राह्मण है और ये भी आप लोग जानते हैं कि ये रॉयल फिजिशियन है किसका बिंबसार का बिंबसार कौन है मगध में आ... जो प्रथंता राजवंश है जो हरियक राजवंश है उसका संस्थापक है बिंबसार और यह भी चिकित्सक है जो जीवक है, यह भी चिकित्सक है बिंबिसार ने ही अपने एक तरीके से अपने पड़ोसी महाजनपद के शासक अवंती के राजा प्रद्योत के दरबार में भेजा उनको एक तरीके से जांडिस हो गया था पीलिया रोग हो गया था टीवी जिसे आप लोग बोलते हैं उसको ठीक करने के लिए भेजा और ठीक भी किया था महात्मा बुद्ध के रोग को भी ठीक किया अन्य के रोगों को भी इसने ठीक किया था तो ये चारों संबंधित हैं आचार्य के रूप में किस आचार्य तकशिला विश्वविद्यालय अगला क्वेश्चन चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे पंकज राय चरक कनिष्क के दरबार में रहता था कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक है ठीक है कनिष्क के दरबार में चरक रहता था ठीक अगला प्रश्न आपके सामने है बताइए जरा क्या हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर कितने लोग हैं बहादुर जो बता सकते हैं कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है ज्यादातर लोग, तो। ज्यादा लोग बहादुर हैं इसमें तो ज्यादातर लोग बहादुर हैं वेरी गुड होना भी चाहिए बहादुर तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि सिंपल साधारण सा प्रश्न है कौन सा स्थल है जो हड़प्पा का स्थल नहीं है तो हड़प्पा का स्थल चनू है जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मिलता है और ये कोटदिजी आमरी ये जो सब स्थल हैं ये सिंध प्रांत में अभी मिलते हैं सोहगौरा गौरा है जो गोरखपुर में ये मौर्य कालीन क्षेत्र है ठीक है अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था देसलपुर ये भी गुजरात में स्थित है तो जो सैंधव संस्कृति है हमने आपको बताया है सैंधव सभ्यता या सैंधव संस्कृति का जो विस्तार देखने को मिलता है सैंधव संस्कृति का विस्तार जो देखने को मिलता है वो वर्तमान में तीन देशों में मिलता है अफगानिस्तान में आप लोग जानते ही, ही मिलता है अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तान में मिलता है कहाँ पे मिलता है पाकिस्तान में सेंधो सभ्यता का विस्तार मिलता है और अपने देश में तो खूब जम के मिलता है ये भारत में अब अफगानिस्तान में अगर आपसे पूछे तो थोड़ा जो स्थल है ना वो थोड़ा कठिन है अफगानिस्तान में भी दो स्थल सेंधो सभ्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं एक का नाम है सुरतोगुई एक का नाम है सुरतोगुई ठीक है और दूसरे स्थल का नाम है मुंडी गांक इसलिए इन दोनों स्थलों को याद रखिएगा ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है और गलती कर सकते हैं मुझे पता है गलती कर सकते हैं इसीलिए मैं बता भी रहा हूं और आप लोगों में से कम से कम 90 प्रतिशत लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि अफगानिस्तान में भी संधो सभ्यता का विकास हुआ था और दो क्षेत्र हैं जिनका नाम है सुरतगुई और मुंडी मतलब याद भी होगा तो रिविजन कर लीजिए आप सभी लोग सुरतगुई और मुंडी गांख ये दोनों स्थल अफगानिस्तान में सेंधो सभ्यता के केंद्र हैं पाकिस्तान में अगर आप लोग देखेंगे तो पाकिस्तान में सभ्यता के तीन प्रांतों से साक्ष मिलता है मुख्यतः का और कहा से मिलता है सिंध के अलावा पंजाब प्रांत से साक्ष मिलता है और मिलता है? के पंजाब के अलावा बलूचिस्तान से साक्ष मिलता है कहां से साक्ष मिलता है बलूचिस्तान से साक्ष मिलता है अब सिंध में आप लोग जानते ही हैं कि जैसे मोहनजोदड़ो स्थल है है ना चनू दड़ो स्थल है जुड़ेर जो दड़ो स्थल है ये सब स्थल मुख्यतः सिंध से है पंजाब से मुख्य स्थल के रूप में हड़प्पा आपको मिलेगा बलूचिस्तान से दासक नामक स्थल मिलेगा कौन सा स्थल मिलेगा मुख्यतः दासक नामक स्थल मिलेगा अन्य भी स्थल यहाँ पे मिलेंगे जैसे मेहरगढ़ हुआ अन्य स्थल भी मेहरगढ़ नवपाषाण काल और सैंदो सभ्यता दोनों का प्रतिनिधित्व तो करता है ठीक अब इसमें एक बात अगर आप लोगों को जानना हो तो और जान सकते हैं ये जो सैंदो सभ्यता है ये मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है उत्तरी छोर है ये आलमगीरपुर है ये उत्तर प्रदेश के मेरठपुर मेरठ में स्थित है आलम आलमगीरपुर ठीक है और ये यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो इस स्थल का नाम क्या है भाई जो दक्षिण में स्थित था दैमाबाद स्थित है दैमाबाद स्थित है ठीक है महाराष्ट्र में परवरा नदी के किनारे और ये दासक नामक स्थल है ये सैंधो सभ्यता की हमने आपको चौहदी बता दी उत्तरी क्षेत्र सैंदो सभ्यता का क्या है मांडा है जम्मू कश्मीर में इसका साक्ष्य मिलता है मांडी नहीं है मांडी पिछली बार आपसे पूछा गया था ठीक है वो कौन सा स्थल है जो उत्तर प्रदेश है जिसका साक्ष्य मिलता है तो मांडी नामक स्थल था और ये मुजफ्फरपुर मुजफ्फरनगर जिले में उत्तर प्रदेश में स्थित है मेरठ के पास में ये लेकिन ये मांडा है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये चिनाव नदी के किनारे स्थित है ये पूर्वी सीमा है आलमगीरपुर ये मेरठ में स्थित है उत्तर प्रदेश में और हिंडन नदी के किनारे स्थित है ये दहमाबाद सैंधो सभ्यता का दक्षिणी स्थल है और ये महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे स्थित है ये देखो ये दासक नामक स्थल है और दास्क नहीं नहीं दासक स्थल नहीं है ये पश्चिमी सीमा क्या है भाई सुत का गेंडोर सॉरी पश्चिमी सीमा क्या है सुत का गेंडोर वही तो मैंने सोचा ये क्या हो रहा है सुत का गेंडोर पश्चिमी स्थल क्या है सुत का गेंडोर और ये दासक नदी के किनारे स्थित है तो दासक रिवर है ये दासक नदी के किनारे स्थित है और ये बलूचिस्तान में स्थित है ये जो पश्चिमी सीमा है इसे सुतकागेंडोर के नाम से जाना जाता है पश्चिमी सीमा बलूचिस्तान में सुतकागेंडोर के नाम से जानी जाती है और बलूचिस्तान में सुतकागेंडोर, गेंडोर सतका डाबरकोट बालाकोट बालाकोट में ही सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी ध्यान रखना आप सभी लोग सतका गेंडोर सतका कोट, कोट बाला बालाकोट ये बलूचिस्तान में आज भी है और उस समय भी थे ठीक है ध्यान रखना आप सभी लोग नहीं तो गलती कर बैठेंगे एक सेकंड भाई आँखों को कुछ हो रहा है थोड़ा थोड़ा जादू वगैरह तो नहीं कर रहे हैं आप लोग अगला प्रश्न इसको पढ़िए क्या हो सकता है भाई इसका उत्तर जरा देखिए तो आप सभी लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा इसमें उत्तर ए विकल्प के रूप में सही होगा ठीक है अशोक रानियों अशोक रानियों का मतलब होता है रानी नहीं राजा अशोक ठीक है अशोक के नाम के बाद में आप लोग जानते ही है महान शब्द लगता है विश्व में तीन ही ऐसे शासक हैं जिनके नाम के बाद में महान शब्द आता है एक भारत के भी है भारत के पहले एक शासक हैं जिनका नाम है सिकंदर वो तो जानते ही हैं अलेक्जेंडर सिकंदर या अलेक्जेंडर महान उनके नाम के बाद में सबसे पहले लगता है फिर अशोक के बाद में लगता है और फिर अकबर महान तीन शासक हैं विश्व में जिनके नाम के बाद में महान शब्द लगता है अब इसमें जो राजा अशोक हैं उनकी चित्रकारिता की गई उनकी एक तरीके से इमेज बनी मूर्ति बनी और इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है कंगन हल्ली ये कहाँ पे है ये कर्नाटक है और यहीं से साक्ष्य मिलता है और यहाँ पे भी अशोक अशोक ने क्या किया था अपने अभिलेखों को लिखवाया था बनवाया था कई पिलर एडिक्स भी मिलते हैं कई राक एडिक्स भी यहां से मिलते हैं ध्यान रखिएगा आप सभी लोग तो उत्तर ए विकल्प के रूप में सही हुआ अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन फिर भी कोशिश कीजिए कि आप लोग बता पाएं क्या हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर जरा बताइए आप सभी लोग वंदना तिवारी संगीता तिवारी किंटी दीपा शुक्ला हैं शादिया दिया गजेंदर मिस्टर सुनील मिस्टर प्रदीप रुद्रांसी अनिकेश माही केजीएफ, राजा पांडे संस्कृति अर्जुन ताकि उत्तर भी कभी बता दिया करो भाई विपिन काफी लोगों ने उत्तर बताया इसमें उत्तर सही भी ज्यादातर लोग वैसे बता रहे हैं ज्यादातर लोग सही बता रहे हैं एक आध दो सही होगा ठीक है महायान संप्रदाय की बात हो रही है आप लोग जानते ही हैं कि जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी वह कनिष्क के समय में हुई थी जो कुषाण वंश का महानतम या प्रतापी शासक है और इस बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष है वो बशुमित्र है और बसुमित्र बहुत बड़ा साहित्यकार इतिहासकार कनिष्क के दरबार में रहता था और इसी कनिष्क के दरबार में अश्वघोष भी रहता है जो इस बौद्ध सभा की उपाध्यक्षता करता है इसी चतुर्थ बौद्ध संगीत में जो बुद्धिज्म है वो दो पार्टों में डिवाइड हो गया हीनयान और महायान और महायान की विशेषता आपसे पूछ रहा है यहाँ पे तो महायान के बारे में कहा गया कि महात्मा बुद्ध इसके मुख्य एक तरीके से देवता हैं या महापुरुष हैं इसके बारे में बोधिसत्वों के मार्ग पर चलना और प्रतिमा पूजन और अनुष्ठान की बात भी इसने की थी क्या होते हैं है ना बोध क्या होते हैं उन्हें कहा जाता है जो आजीवन क्या करते हैं आजीवन हेल्प करते हैं उन व्यक्तियों की हेल्प करते हैं जिसे सत्य के मार्ग पर चलना होता है इन्हें बोधिस कहा जाता है अब ये जो महायान धर्म है ये मूर्ति पूजा में विश्वास करता है और कालांतर में महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है और यही तो कहा गया प्रतिमा पूजन या महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा में महायान धर्म में विश्वास करता है और महायान धर्म का कई केंद्र है और कनिष्क ने ही आप लोग देखेंगे तो गंधार कला शैली में और मथुरा आर्ट स्टाइल में क्या किया महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को बनवाया और महात्मा बुद्ध की मूर्तियों पर विदेशी प्रभाव भी और स्वदेशी जो महात्मा बुद्ध की मूर्ति है स्वदेशी तो जैसे महात्मा बुद्ध की अगर मूर्ति आपको मिलती है तो महात्मा बुद्ध को उसमें गेरुआ वस्त्र धारण करते हुए दिखाया गया है ना और हाथ में दंड कमंडल लिए हुए भिक्षा पात्र जिसे आप बोलते हैं पैर में चरण पादुका पहने हुए दिखाया गया है महात्मा बुद्ध को लेकिन कनिष्क के समय में जो गंधार आर्ट स्टाइल है उसमें महात्मा बुद्ध को एक तरीके से विदेशी रूप रंग के स्थिति में दिखाया गया है महात्मा बुद्ध की मूछे हैं महात्मा बुद्ध के जो हेयर हैं वो तो घुंघराले हैं महात्मा बुद्ध को उसमें सूट बूट पहने हुए दिखाया गया है तो भारत को सूट बूट किसने दिया है किसी में इच्छा शक्ति बताने की भारत को सूट बूट ये स्टूडियो में जो टाइल्स वगैरह लगी हैं ये सब किसने दिया टाइल्स आपके घरों में लगी होंगी है ना चमकने वाली टाइल्स दीवारों पे जो टाइल्स है ये जो सूट बूट है ये कनिष्क ही दिया है कुषाण वंश का जो शासक है ध्यान रखना आप सभी लोग ये तो आधुनिक भारत में पुर्तगालियों ने यूरोपियों ने इसको थोड़ा आगे बढ़ाया लेकिन शुरुआत इसी कनिष्क ने प्राचीन भारत में ही कर दी थी इसके उत्तर के रूप में डी विकल्प सही हुआ इसको देखिए विजयनगर साम्राज्य से एक क्वेश्चन है अरे क्या हो गया ये फिलहाल बताइए इसका उत्तर तो हमने बता ही दिया है <laughs> इसका उत्तर तो बता ही दिया है फिर भी आप लोग बताते रहिए हम्म हाँ आप लोग बता ही नहीं पाते तो मैंने सोचा पहले ही बता दिया जाए है ना कल्याण मंडपम का निर्माण इस राज्य के मंदिर निर्माण में एक उल्लेखनीय विशेषता है तो कल्याण मंडपम की बात हो रही है ठीक है कल्याण मंडपम विजयनगर में है अब जैसे कल्याण मंडपम है क्या तो जैसे मान लीजिए ये एक मंदिर है ठीक है बहुत विशालकाय मंदिर होते हैं किसके विजयनगर शासकों के विजयनगर शासकों का हमने इतिहास पढ़ाया मुख्यतः इसमें चार राजवंशों ने शासन किया था ठीक है और इनके जो मंदिर बने वो अत्यंत मंदिर मंदिर बने गगन मंदिर यहां पे दिखाई आपको पड़ते हैं तो इसी में कल्याण मंडपम पाया जाता है तो कल्याण मंडपम ये जैसे मंदिर है तो मंदिर के चारों तरफ आपको कल्याण मंडपम आपको मिलेंगे ठीक है कल्याण मंडपम ऐसा स्थान होता था जहां पर जो मंदिर के यात्री जब जाते थे तो यहाँ पे जैसे उस काल में ऐसा तो नहीं है कि ट्रेन थी एरोप्लेन थी आप सुबह गए दर्शन करने शाम को उड़ के अपने घर में पहुंच गए लोग यात्रा पे निकलते थे महीनों लग जाते थे तो यहाँ पे रुकते थे अपना बनाया खाया यहाँ पे कुआं है यहाँ पे छोटे मंदिर भी हैं यहाँ पे रुक रहे हैं तो ये निवास का स्थान होता था ठीक है अत्यंत प्रसिद्ध होते थे इसको देखिए <laughs> कौन से सही हैं ये आपको बताना है इसमें उत्तर नहीं बताएंगे हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर बताइए बहादुर लोगों तो लावा प्रश्न आपके सामने है प्रगति पर देखता हूं कौन इसका उत्तर बता सकता है किसमें है दम अभी सब लोग रुके रहिए बराबर क्लास में भागिए मत संडे का दिन है आराम से सोइएगा अभी पढ़िए यूपीएससी में जो स्टूडेंट होते हैं उनकी पढ़ाई का कोई टाइम नहीं होता एक बजे डेढ़ बजे तक तो पढ़ाई कीजिए क्या हो सकता है भाई इसका उत्तर इसका उत्तर डी विकल्प के रूप में हो सकता के रूप में हो सकता है डी विकल्प के रूप में हो सकता है जो संत निम्बार्क हैं इस ये अकबर के समकालीन नहीं है ध्यान रखना आप सभी लोग निम्बार्क या ये, ये अकबर के समकालीन नहीं है तो पहली बात यहां पे ये गलत हो गई संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से बहुत प्रभावित थे शेख अहमद सरहिंदी एक तरीके से कट्टर संत थे इनसे कबीर कभी नहीं प्रभावित हो सकते थे कबीर कभी नहीं प्रभावित हो सकते ठीक है नक्सबंदी सिलसिले के संत थे तो नक्सबंदी सिलसिला थोड़ा कट्टर था और कबीर उदारवादी इसको देखिए मिया तानसेन से संबंधित एक प्रश्न है बताइए आप सभी लोग उत्तर तानसेन के बारे में कौन सी बात सही नहीं है सत्रहवा तो क्वेश्चन आपके सामने है मिस्टर साकिर मिस मांडवी एंड राकेश सुरुचि रानी शबा एवं रोहित सभी लोग उत्तर बताइए भाई सभी लोग सेशन भी लाइक कर लीजिए अब तक तो कम से कम एक हजार लाइकिंग हो जानी चाहिए थी कुरैसी अब तो चार सौ लोग लाइव चले गए लेकिन लाइक तीन सौ भी नहीं है क्यों भाई अर्जुन ऐसा क्यों है इंजा क्या हो सकता है इसमें सत्रहवें प्रश्न का उत्तर ई विकल्प के रूप में सही हो सकता है और क्या होगा <coughs> तानसेन उसे सम्राट अकबर द्वारा दिया गया उपाधि था नहीं तानसेन तो इनका नाम ही था तानसेन तो इनका नाम ही था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यही सही नहीं है तानसेन इनकी उपाधि नहीं थी इनका नाम था तो ये जो अकबर था मुगल सम्राट अकबर आप लोग तो जानते ही हैं कि पंद्रह सो में शासक बना और 1605 तक शासक ये बना रहता है इसी ने मिया तानसेन को कंठा भरण बाणी बिलास की उपाधि दी थी कंठा भरण ये पूछा जा सकता है ध्यान रखना आप सभी लोग बाणी बिलास की उपाधि दी थी ठीक है कंठा भरण बाणी बिलास देखो संगीत में जो सबसे बड़ा काम होता है वो किसका होता है इसी गले का होता है कंठ का काम होता है पढ़ाने में भी सबसे बड़ा काम इसी का होता है आप लोग कभी कभी बोल के देखिए कभी दस पंद्रह घंटे बोल के लगातार देखिए देखिए क्या स्थिति होती है? कभी दस पंद्रह घंटे थोड़ा गैप करके भी बोल के देखिए देखिए गले की क्या स्थिति होती है बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के साथ में ध्यान रखना तो कंठा भरण बाणी बिलास कंठा भरण बाणी बिलास की उपाधि अकबर ने किसको दी तानसेन को दी तानसेन महान संगीतज्ञ थे ध्रुपद जैसा राग इन्होंने ही एक तरीके से उत्पन्न किया था और अकबर के दरबार में रहते थे अकबर के नाइन ज्वेल्स यानी नौ रत्नों में थे ये ध्यान रखना आप सभी लोग तो तानसेन के बारे में कहा गया हिंदू देवी देवताओं के ऊपर इन्होंने ध्रुपद स्टाइल का विकास किया था ये बात सही है तानसेन ने अपने संरक्षकों पर गीतों की रचना की यह भी बात सही चाहे वो अकबर हो चाहे बघेल खंड के क्षेत्र के राजा हो तानसेन ने कई रागों का आविष्कार किया एक नहीं बल्कि कई रागों का आविष्कार किया किसने तानसेन ने तो तीनों बातें यह सही है जबकि एक नंबर की बात गलत है एक नंबर की बात होती नहीं गलत लेकिन इसमें हो रही है क्या करेंगे हो जाता है कभी कभी हम्म इसको देखिए क्या शंकर तुम दो बार लाइक कर देते हो क्या बड़े अच्छे हो आप तो वाकई मानना पड़ेगा यही तो आप लोगों का प्यार है जो हमारे लिए अनमोल है प्यार से पुकार लो जहा हो तो मैं गाना गाना आता है आप सभी लोगों को नहीं आता राकेश उसके बाद में कुमार उसके बाद में पांडे तीन हैं नाम साथ में जुड़े हुए हैं ठीक है, है। पंडित जी क्या है मामला भाई इसमें बताता हूँ अभी क्या कह रहा है किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर एल्बम तैयार करवाया था सचित्र पांडुलिपि से ध्यान हटा दिया एक तरीके से ना और फिर इसने ध्यान कहाँ लगाया था इसने एल्बम पे ध्यान लगाया था एल्बम को क्या बोला गया बाबू लोग एल्बम को मुरक्का बोला गया एल्बम को क्या बोला गया मुरक्का बोला गया मुरब्बा नहीं जो आंवले का बनता है मुरब्बा नहीं इसे क्या बोलते हैं एल्बम एल्बम को मुरक्का बोलते हैं और आप लोग जानते ही हैं कि ये जो जहांगीर है ये जो जहांगीर है आपका उत्तर सी विकल्प के रूप में सही हुआ ठीक है इसी ने एल, एल्बम रखा था और एल्बम चित्रों का रखा था तो जहांगीर अकबर का पुत्र है और शासक बनता है अकबर की मृत्यु के बाद में जब शासक बनता है तो इसको चित्रकारिता में बड़ी ही ज्यादा रुचि चित्रकारिता में बहुत ज्यादा रुचि है इसके दरबार में ईरानी चित्रकार रहते हैं यूरोपीय चित्रकार मिस्किन इसके दरबार में रहता है जो यूरोपीय कला शैली का विशेषज्ञ है और स्वयं भी जहांगीर चित्रकला का बहुत बड़ा पारखी है मैं कई बार आपको बताता हूँ कोई हेयर स्टाइल बनाता है कोई नाक की कोई भौं की स्टाइल बनाता है कोई ओंठों की स्टाइल बनाता है कोई फिंगर्स की स्टाइल बनाता एक ही चित्र अगर कई चित्रकार बनाते हैं एक ही शरीर में अगर कई चित्रकार लगते हैं और चित्र बनाते हैं शरीर के विभिन्न अंगों के तो जहां देख के बता सकता था कि कौन किस अंग को बनाया है इतना पारखी था इसके समय में चित्रकला बिल्कुल अपने शिखर पर चली गई तो इसीलिए इसको चित्रकला का क्या कहा जाता है गोल्डन एरा कहा जाता है तो कौन एक मुरक्का रखा था यानी एल्बम रखा था चित्रकला का वो जहांगीर चित्रकला विभाग किसने किया था अगर आपसे प्रश्न पूछे इसी में से कि चित्रकला कला विभाग किसने बनाया था तो क्या बताओगे आप सभी लोग चलो पुनः बताओ चित्रकला विभाग किसने बनाया था चित्रकला विभाग सर्वप्रथम किसने बनाया था इसी में से बताइए आप सभी लोग यही चार हैं चित्रकला विभाग किसने बनाया था बताइए बताइए शर्माइए मत अकबर ने बनाया था वेरी गुड चित्रकला विभाग किसने बनाया था अकबर ने बनाया था तो जहांगीर ने क्या किया था जहांगीर ने चित्रणशाला ही स्थापित करवाई थी जहांगीर ने चित्रणशाला ही स्थापित करवाई थी ध्यान रखना आप सभी लोग जबकि अकबर ने ही चित्रकला विभाग पहली बार बनवाया था तो इसमें चित्रकला विभाग में अकबर हो जाएगा नेक्स्ट थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन लेकिन फिर भी सोचिए विचारिए देखिए समझिए बताइए उन्नीसवें नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या हो सकता है भाई बहादुर लोगों इसका उत्तर क्या होता सकता है हम्म प्रश्न आपके सामने है इसका उत्तर होगा सी विकल्प के रूप में इसके रूप में होगा सी विकल्प के रूप में इसमें उत्तर होगा मौर्य मौर्य काल मौर्य काल।, काल में मुख्यतः एकास्म पत्थर आपको मिलेंगे ठीक है बदिकोत्तर काल की बात हो रही है तो इसमें महात्मा बुद्ध ही आ जाएंगे ठीक है उनके परिनिर्वाण से संबंधित गुप्त काल की अगर बात हो रही है तो इसमें सर्वधर्म संभाव की बात आ जाती और सातवाहन काल में आपको ये देखिए तो मैं आपको एक एक करके बताता हूं यहाँ पे किसके रूप में उत्तर हुआ सी विकल्प के रूप में उत्तर हुआ और थोड़ा कठिन जरूर था प्रश्न ठीक है तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है मौर्य काल की बात की जा रही है और मौर्य काल के बारे में बताया जा रहा है कि मौर्य काल के एक तरीके से जो आपको स्तंभ मिलेंगे जो आपको राक एडिक्स मिलेंगे पिलर एडिक्स मिलेंगे आपको या केब एडिक्स की मैं बात नहीं कर रहा वो तो गुफा है लेकिन जो राडिक्स आपको मिलेंगे आपको मिलेंगे जो पिलर एडिक्स मतलब अस्तंभ लेख आपको मिलेंगे वो एकाश्म प्रकार के एकाश्म का मतलब क्या है जैसे मैं आपको कह रहा हूं तो आप लोग फील कीजिए सारनाथ पिलर को देखते होंगे ऊपर से नीचे तक ऐसा लगता होगा कि उसमें कहीं जोड़ आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है जैसे आप लोग घर बनवाते हैं तो उसमें जोड़ दिखाई पड़ता है लेकिन ऊपर से नीचे तक कहीं जोड़ उसमें दिखाई नहीं पड़ा है क्यों क्योंकि एक ही पत्थर को काट के उसको बनाया गया इसीलिए इसको एक पत्थर कहा गया अब जरा सोचिए कि इतनी इतनी लंबाई की जो आकृति में वो दिखाई पड़ रहा है क्या तकनीक रही होगी कैसे मौर्य के शासकों ने यह निर्माण करवाया होगा इस समय तो जो ईरानी शासक हैं ईरान के जो शासक हैं चाहे वो सूसा हो, चाहे वो एक बतना हो उनसे भी भव्य निर्माण मौर्य कालीन शासकों ने करवाया उनके तो जो स्तंभ हैं वो प्रशासनिक भवनों में दिखते हैं हमारे जो स्तंभ हैं अशोक के स्तंभ वो खुले मैदान में देखेंगे आप लोग किसी वन में देखेंगे किसी जंगल में देखेंगे ऐसे स्वतंत्र स्थान पर देखेंगे वो बिल्कुल अलग है राजमहल से अलग है और आज भी आप लोग देख लीजिए कि सारनाथ का जो पिलर एडिक्स है लौह स्तंभ है कहीं वहां पे कुछ खराबी आ गई हो तो बताइए आप सभी लोग वैसे ही चमक रहा है आप लोग इंजीनियर के रूप में आते हैं बताइए कभी बांध बनवाएंगे कभी कुछ बनाएंगे पता चला वो सुबह ही बह गया नदी में और हम कहते हैं कि हमारी तकनीक बहुत आगे है जरा सोचिए आप सभी लोग हम ये भी कहते हैं कि हमारी तकनीक बहुत ज्यादा आगे है जरा देखिए मौर्य काल को उठा के जरा अंग्रेजों की बिल्डिंग्स देखिए यहाँ पे साउथ एक्स में सब स्थित हैं राष्ट्रपति भवन संसद कनाट पैलेस कैसे चम 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 चमकते हैं दिल्ली में शायद जहां का ताजमहल देखिए तो ये एकाश्म पत्थर के बने हुए हैं धर्म का स्तूप भी इसी में शामिल है ठीक है धर्म का प्रकार के स्तूप भी आते हैं उत्तर काल में अगर आप लोग देखेंगे तो महात्मा बुद्ध के महा के बाद स्तूपों का निर्माण हुआ स्तूप क्या होते हैं कटोरा देखा है कटोरा कटोरा नहीं देखा कटोरा ही नहीं देखा आप लोगों ने वो खीर छीर पकौदन ये सब नहीं खाया महात्मा बुद्ध खूब खाते थे छीर पकौदन खीर सुजाता ने खिलाया महात्मा बुद्ध को आप लोगों को नहीं खिलाया किसी ने नहीं बिल्कुल नहीं आप ही बना लीजिए मैं करना क्या है खीर का मतलब सिवई भी बना सकते हैं खीर नहीं बन पाती तो अगर चावल को चलाने में थोड़ा दिक्कत होती है तो सिवई ले आइए साबुदाना ले आइए वो भी खीर ही हो गया उसमें टाइम भी बिल्कुल नहीं लगेगा सबसे आसानी से सबसे इनर्जेटिक सामान बन जाएगा दूध सही है बस तो अस्तूप जैसे कटोरे में आप लोग खीर खाते होंगे ना तो कटोरों को ऐसे घुमा के उल्टा रख दीजिए जब उल्टा रख देंगे तो उसी की आकृति स्तूप की आती है यानी उल्टे कटोरे की भांति जो संरचना होती है उसी को अस्तूप कहा जाता है अस्तूप पूजा घर होता है अस्तूप बौद्ध धर्म का क्या होता है पूजा घर होता है ध्यान रखिएगा आप सभी लोग और बिहार निवास स्थान होता है अभी बुद्धिज्म की क्लास में आपको बताया था गुप्त काल की बात आती है तो गुप्त काल में क्या मामला हुआ सर्वधर्म संभाव का प्रदर्शन गुप्त काल के शासक आप लोग जानते ही हैं कि कोई भगवान शिव की पूजा करता है कोई विष्णु की पूजा करता है कोई महात्मा बुद्ध की पूजा करता है कोई जैनी है तो सर्वधर्म संभाव की भावना गुप्त काल में बृहद पैमाने पे, पे आपको दिखाई पड़ती है सात वाहनों का काल क्या है दक्कन की राजनीति व बौद्ध धर्म को संरक्षण बौद्ध मतावलंबी है सात वाहन शासक हिंदू मतावलंबी भी हैं कुछ जैन धर्म को भी स्वीकार करते हैं तो ये आपका सी उत्तर के रूप में सही हुआ मामला इसको बताइए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाकई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह प्रश्न बताइए भाई इसका उत्तर क्या होगा फातिमा रामेश्वर राशि सुनील गोगा प्रसाद आप भी आ गए मंजू प्रियंका मिस्टर राकेश सैनी अभिनव एंड रोहित एंड आर्यन एंड पायल एस के मांडवी प्रीति प्रीति ऐसी घारना दीपा शुक्ला बी इज करेक्ट ऐसा है क्या बीस नंबर का प्रश्न है और बी इज करेक्ट तो नहीं होगा दीपा जरा कोशिश कीजिए दोबारा बताने का मामला ई इज नॉट करेक्ट हंड्रेड परसेंट या एक हजार परसेंट फिर हाँ डी सही होगा उत्तर क्या सही होगा डी सही होगा भाई तो इसमें उत्तर क्या सही होगा मंदिर स्थापत्य की बात हो रही है पंचायतन पंचायतन शैली में आप लोग देखेंगे तो पाएंगे कि गुप्तकालीन या अन्य क्षेत्रों में भी मंदिर बने दक्षिण भारत के मंदिर तो मुख्यतः इसी स्टाइल में आते हैं पांच छः छह सात सात सा, आठ आठ फ्लोर के मंदिर किसी को पंचायतन श्रेणी के नाम से जाना गया और इसमें मंदिर तो फिर गगन चुंबी बन ही जाएंगे ध्यान रखिएगा आप सभी लोग और नासिका सुख नासिका मतलब पंचायत भाई जमीन से अगर आसमान की तरफ आप जाते हैं तो निचली जो इमारत होती है उसका भाग ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो उसका ब्यास कम होता जाएगा जैसे चार मीनार की स्थिति भी यही तो है नीचे उसका ब्यास ज्यादा होगा लेकिन ऊपर जाएंगे तो उसका अभ्यास कम होगा इसीलिए तो नासिका कहा गया पंचायतन स्टाइल को ठीक नेक्स्ट इसको बताइए क्या हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है इक्कीसवें नंबर का प्रश्न है और इसका उत्तर होगा बी नंबर दो की बात इसमें सही है दो नंबर की बात सही हो गई हो जाता है कभी कभी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं दो नंबर की बात करती है वह देवी देवताओं की पूजा करते थे सही है वह युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे ऐसा उल्लेख मिलता है रथों का प्रयोग मतलब हो सकता है कालांतर में मिल जाए हाँ ये है कि बैलगाड़ी का प्रयोग मिलता है इक्का गाड़ी का प्रयोग मिलता है मिलने का मतलब साक्ष्य से हो सकता है कल साक्ष्य मिल जाए तो हम कह देंगे नहीं मिलता है तो कैसे कहें बताओ उनके विशाल महल व मंदिर थे संधो सभ्यता से आज तक मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला हाँ महलों का तो साक्ष्य मिला लेकिन मंदिर का साक्ष्य आज तक नहीं मिला हुआ है तो पहले नंबर की बात गलत हो गई तीसरे नंबर की बात गलत हो गई दूसरे नंबर की बात सही कैसे हो गई कि वे देवी देवताओं की क्या करते थे वे देवी देवताओं की पूजा करते थे वे क्या करते थे वे देवी देवताओं की पूजा करते थे ध्यान में रखिएगा किसकी पूजा करते थे देवी देवताओं की पूजा करते थे अभी क्लास खत्म नहीं होगी लेकिन इसके बीच में एक समाचार आपको बता रहा हूँ ग्यारह तारीख तक अगर संस्थान में आप सभी लोग एडमिशन लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है फीस में छूट का ऑफर है इसमें रेफरल कोड हमारा है आप लोग इसका प्रयोग करेंगे हमारा भी आत्मविश्वास आप लोगों के बीच में बढ़ेगा और आप लोग अगर एडमिशन लेना चाहते हैं लोन के माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं लोन का कोई चार्ज नहीं लगता सेम फीस ही आपको जमा करना होता है जो डायरेक्ट पेमेंट से जमा करते हैं उनको भी जो अनडायरेक्ट पेमेंट से जमा करते हैं उनको भी तो इससे हमारा भी विश्वास बढ़ेगा तो आप लोग पढ़ते हैं अगर आप लोगों का मूड हो आप लोग सीधे मुझसे बात कर सकते हैं और तब तक आपको गाइडेंस मिलेगा जब तक आप तैयारी करते हैं जब तक आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता तो कोशिश कीजिए कि हमारा रेफरल कोड आप सभी लोग प्रयोग करें और एडमिशन लें और 11 तारीख तक ये फीस में छूट का ऑफर भी मिल रहा है एक्स्ट्रा वेलिडिटी का ऑफर भी मिल रहा है चलिए आगे बढ़िए आगे तो आप लोग बढ़िए क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या बताना चाह रहा था उसमें प्रश्न में क्या था अच्छा देवी देवताओं के बारे में तो संधो सभ्यता की अगर आप लोग देखेंगे तो जो धार्मिक लाइफ है कैसी लाइफ है सैधो सभ्यता की जो धार्मिक स्थिति है तो सेंधो सभ्यता के लोग कैसे लोग थे सेंदो सभ्यता के जो लोग थे धर्म के क्षेत्र में थे धर्म के क्षेत्र में बहुदेववादी थे क्या थे बहुदेववादी थे इसका मतलब बहुत से देवी देवताओं की पूजा करते थे इसका मतलब ये है कि सेंधो सभ्यता के लोग एक देववादी नहीं थे बहुदेववादी थे मतलब बहुत देवताओं की पूजा करते थे देवियों की पूजा करते थे तो कई देवी देवताओं के नाम आप लोग मिलते हैं जैसे सभ्यता के लोग आप लोग जानते ही हैं कि पृथ्वी की पूजा करते थे सेंधो सभ्यता के लोग समुद्र की पूजा करते थे समुद्र की पूजा मतलब जल की पूजा करते थे नदी समुद्र की पूजा करते थे सेंधो सभ्यता के लोग स्नेक वर्सिप यानी सर्प पूजा में विश्वास करते थे सेंधो सभ्यता के लोग पेड़ पौधों की पूजा में भी विश्वास करते थे आप लोग जानते ही हैं कि सेंधो सभ्यता का अः चाहे वो केले का पौधा हो चाहे वो कदली का पौधा हो बेर का पौधा हो इन सब पौधों की क्या की जाती थी पूजा की जाती थी सैंधव सभ्यता के लोग आप लोग जानते ही हैं पशुपति देवता की पूजा करते थे सैंधव सभ्यता के लोगों का जो सबसे प्रिय प्रिय पशु था वो कुबड़ वाला बैल था तो कुबड़ वाले बैल की भी पूजा करते थे अन्य देवियों मातृ देवी की पूजा की बात आती है तो देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे आज भी तो यही तो चलता है जैसे हम लोग हैं मान लो हनुमान जी के भक्त हैं कल को वहां जाएंगे मीनुद्दीन चिश्ती जय हो बाबा की कल्याण कल करो आई एस बना दो जल्दी से अगर गुरुद्वारा पहुँचेंगे वहां पटना साहब जल्दी से करो साहब बहुत समय बीत गया ये आपको करना पड़ेगा वहां पे जाइए अपना मत्था टेकिए और भगवान से कहिए कुछ दो भाई अब सब्र नहीं है तब वो वो पिघलते हैं वो भी चाहते हैं कि आप उनसे कुछ मांगे लेकिन आप लोग तो समझे अरे वो तो परम ज्ञानी है उनको तो सब पता है हमें क्या चाहिए तो वो दे ही देंगे समय अरे मांगो तो ईश्वर भी चाहता है कि भक्त उसके सामने नतमस्तक हो और वो कुछ बोले ईश्वर भी इस बात को चाहता है ध्यान में रखिएगा आप सभी लोग ईश्वर भी इस बात को चाहता है कि आप नतमस्तक हो और मांगे उससे तब आपको मिलेगा ध्यान में रखिएगा आप सभी लोग तो यह काम करना पड़ता है यह काम क्या है यह काम आपको करना पड़ता है ध्यान में रखिएगा क्या कीजिएगा इस बात को ध्यान में आप लोग रखिएगा यह काम करना पड़ता है आपको तो इसमें सेंधो सभ्यता के जो लोग थे वो क्या थे वो बहुदेववादी थे बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा पाठ जब तब करते थे एक देववाद की अगर बात अगर आती है तो आप लोग वैदिक युग में जब आएंगे तो मैक्स मूलर या अन्य बड़े बड़े इतिहासकार प्रकट होते हैं तो वो कहते हैं जानते हो वो एक देववाद की भी बात करते हैं और एक देववाद का मतलब क्या है जैसे एक देववाद का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ वो एक देवबाद की भी बात करने लगते हैं तो जैसे मान लीजिए आप लोग इस बात को अपने ऊपर लीजिए तो ज्यादा सही होगा तो एक देववाद में ऐसा नहीं कि व्यक्ति एक ही देवता की पूजा करता है यहाँ पे ये जो इतिहासकार हैं ये प्रकट होते हैं कहते हैं अगर एक समय में एक देवता की पूजा करते हैं तो इसका मतलब आप एक देववाद में विश्वास करते हैं जैसे आज आपने काली की पूजा की तो इसका मतलब आप एक देवता में विश्वास करते हैं कल हो सकता है आप हनुमान जी की पूजा करें परसों किसी अन्य देवता की पूजा करें तो यही है उनके शब्दों में एक देववाद एक देववाद का मतलब ये नहीं कि हमेशा जिंदगी भर एक ही देवता की पूजा करते रहिए ये प्राचीन भारत में उत्तर वैदिक युग की बात बता रहा हूं आप सभी लोगों को क्वेश्चन आपके सामने है जरा ध्यान से पढ़िएगा तो ये इसमें क्या हुआ इसमें दो नंबर की बात सही हो गई गुड क्वेश्चन ध्यान रखिएगा यूपीएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जरा ध्यान से पढ़ेंगे तभी तो बताएंगे आप लोग ध्यान से पढ़िए मन से पढ़िए एक एक शब्द को पढ़िए और बताइए क्या हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग बताइए सभी लोग उत्तर बताइए तेईसवा नंबर प्रश्न आपके सामने है तो कुछ सैलकृत स्थापत्य की बात हो रही है सैल का मतलब होता है पत्थर सैल का जो पर्यायवाची होता है वो पाषाण होता है और इसे स्टोन इस के नाम से जाना जाता है तो सैल यानी पत्थर से निर्मित कुछ बौद्ध गुफाएं आपको मिलेंगी बौद्ध गुफा का मतलब बुद्धिज्म से संबंधित जो केव्स होती हैं ठीक और इनको क्या बोलते हैं इनको चैत्य बोलते हैं जबकि अन्य को बिहार बोलते हैं इन दोनों में क्या अंतर है एक है बिहार और एक है चैत्य इनमें क्या अंतर है तो पहले मेरे शब्दों में आप सभी लोग सुन लीजिए चैत्य को भी पूजा घर के नाम से जाना जाता है और बिहार को वास स्थान या निवास स्थान के नाम से जाना जाता है बुद्धिज्म में और अस्तूप भी पूजा घर है अस्तूप भी पूजा घर है और चैत्य भी पूजा घर है चैत्य का मतलब जैसे कारले का चैत्य वह दक्षिण भारत के अन्य प्रमुख चैत्य तो चैत्य मुख्यतः आपको दक्षिण भारत या मध्य भारत में मिलेंगे लेकिन अस्तूप आपको उत्तर भारत में कुछ ज्यादा ही मिलेंगे तो इसमें उत्तर क्या सही हुआ इसमें उत्तर आपका सी विकल्प के रूप में सही हुआ चैत्य जो गुफा की दूर स्तूप होता है चैत्य क्या कहा गया गुफा के दूर के सिरे पर स्तूप होता है जबकि बिहार गुफा पर अक्षीय कक्ष होता है क्या होता है एक सेकंड भाई चौथा प्रश्न है इक्कीसवा प्रश्न है वही तो मैंने कहा कि गलत जगह पे लग रहा है उत्तर इसका उत्तर बी बीबी चैत्य क्या है पूजा स्थल होता है जबकि बिहार क्या होता है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है हमने कई बार आपको बताया चैत्य के बारे में अस्तूप तो चैत्य और अस्तूप पूजा घर होता है मुख्यतः ठीक और बिहार क्या होता है बिहार वास स्थान होता है निवास स्थान होता है और बिहार के अंदर में आपको अस्तूप भी मिलेंगे और बिहार के अंदर में आपको चैत्य भी मिलेंगे ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि मान लीजिए कि आपके घर के अंदर में भी तो मंदिर मिल सकता है और घर के बाहर भी मिल सकता है आपके कमरे में भी तो छोटे देवी देवता होंगे ना अगर नहीं होंगे हिंदू धर्म से संबंधित हो तो अपने आराध्य देवी देवता या जिस धर्म से हो थोड़ा सा रखना चाहिए गणेश की मूर्ति है लक्ष्मी की मूर्ति है भाई विद्या के दाता लोग हैं नेक्स्ट इसको देखिए गुड क्वेश्चन वाकई तीन शब्द हैं और तीन स्टाइल के रूप में हैं जरा बताइए तो चौबीसवा क्वेश्चन क्या हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर कौन है बहादुर देखा जाएगा आज कौन है बहादुर रोहित बहादुर ओके संस्कृति कूल गर्ल काफी लेट हाँ कुछ लोग तो एक नींद पूरी हो गई होगी क्यों कोई नहीं जो जागेगा वो पाएगा जो सोएगा वो जानते ही हैं हाँ आप लोग क्यों बिपिन क्या उत्तर होगा सी देखते हैं अभी नागर द्रविण और बेसर है क्या है भाई ये ये तीनों क्या है इस संगीत के घराने है या स्टाइल है या कुछ और है या कुछ और है तो इसमें क्या है इसमें उत्तर सी के रूप में सही हुआ ठीक है नागर द्रविड़ और बेसर नागर द्रविड़ और बेसर तो नागर स्टाइल है उत्तर भारत में जो मंदिर बने वो मुख्यतः नागर शैली में बने ठीक है इसमें बने नागर शैली में जैसे ऊंचे चबूतरे पर कोई मंदिर बनता है ठीक है ना और मोटी मोटी दीवारें होती हैं तो इसको मुख्यतः नागर शैली में आपको कभी पढ़ाऊंगा तो और ज्यादा बताऊंगा तो ये तीनों मंदिर स्थापत्य की शैलियां हैं उत्तर भारत के मंदिर स्थापत्य की शैली को मुख्यतः नागर शैली के नाम से जाना गया दक्षिण भारत के मंदिर स्थापत्य की शैली को मुख्यतया किसके नाम से जाना गया मुख्यतया द्रविण शैली के नाम से जाना गया जिसमें पल्लव काल के या एक तरीके से विजयनगर के शासक जो चालुक्य के शासक हैं ये सब मंदिर बनाते हैं और जो बेसर शैली है बेसर शैली में नागर शैली और द्रविण शैली दोनों के अंश दिखाई पड़ते हैं दोनों की विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। और सुदूर दक्षिण भारत में जो मंदिर बने वो बेसर स्टाइल में बने ठीक तो इसमें सी विकल्प आपका उत्तर सही हुआ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इसको जरा देखिए क्या हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा कठिन है प्रश्न लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि सत्य हो मीन्स सही हो पच्चीसवा प्रश्न है आपके सामने कौन है बहादुर ओके ओके ठीक है तो इसका उत्तर क्या होगा इसका उत्तर सी विकल्प के रूप में होगा पच्चीस में केवल तीन नंबर की बात सही है देखो ना एक नंबर की बात सही ना दो नंबर की बात सही सही हो गई तीन नंबर की बात तो जो एलोरा है ना एलोरा में विभिन्न धर्मों से संबंधित गुफाएं या चित्रकारिता की गई चाहे वो बौद्ध धर्म हो चाहे वो हिंदू धर्म हो हिंदू धर्म में चाहे वो शैव हो चाहे वो वैष्णव हो, हो चाहे जैन हो इन सब के चित्र कहां से मिलते हैं इन क्षेत्रों से मिलते हैं ये बात सही है अब बादामी कहाँ है बादामी का मतलब ये कहाँ है भाई ये कर्नाटक में स्थित है बादामी कहाँ स्थित है, है? कर्नाटक में स्थित है बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशेष थोड़ो ना है भारत में तो सबसे प्राचीनतम जो गुफाएं हैं वो नर्मदा नदी घाटी से मिली हुई हैं और नर्मदा नदी के भीम बेटका से मिली हुई हैं कहाँ से मिली हुई हैं भीम बेटका से मिली हुई हैं ठीक है पूरा पाषाण काल में ही ध्यान रखना आप सभी लोग बराबर बराबर है? बराबर है? की जो पहाड़ी है बराबर की जो केव है, वर्तमान में बिहार में आपको मिलती है बिहार झारखंड की सीमा पे मिलती है दोनों क्षेत्रों में मिलती है शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त तो मौर्य द्वारा बनवाई गई ना 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 मौर्य नहीं चंद्रगुप्त तो मौर्य नहीं बिंदुसार के पुत्र अशोक द्वारा बनवाई गई बराबर में जो गुफाएं बनवाई गई चाहे वो सुदामा की गुफा हो चाहे वो कर्ण चौपार की गुफा हो चाहे वो बड़थिका की गुफा हो ये तीनों गुफाएं मुख्यतः अशोक ने बनवाई हाँ ये बात अलग की है कि जो आजीवक संप्रदाय है उसका जो मुख्य संत है मक्खली पुत्र गोशाल उसको दान में दे दिया था ये बात अलग की है लेकिन चंद्रगुप्त तो मौर्य ने नहीं बनवाई फिर किसने बनवाई अशोक ने बनवाई ठीक है फिर किसने बनवाई अशोक ने बनवाई तो दो नंबर की बात भी गलत हो गई एक नंबर की गलत हो गई तीन नंबर की सही हो गई केवल तीन नंबर की बात वेरी इम्पॉर्टेंट ज़रा देखिए तो आप सभी लोग गौर से कि देखने का मतलब समझने वाला प्रश्न है और फिर उत्तर बताने वाला प्रश्न है बताइए और सेशन को लाइक भी कर लीजिए भाई लोग लाइक करने में तो आप लोग शर्मा जाते हैं पता नहीं क्यों है क्यों साकिर लाइक कीजिए और क्लास खत्म हो तो हमें बताइएगा जब क्लास खत्म होगी तो ये आज आपका टेस्ट हो रहा है ध्यान रखिएगा फिर टेस्ट होगा आपका कला एवं संस्कृति का चिंता मत कीजिएगा लेकिन अभी तुरंत में नहीं होगा तो इसमें कमेंट करके आप सभी लोग बताइएगा कि तीस प्रश्न आज कराएंगे और इसमें से तीस बत्तीस प्रश्न जो भी कराएंगे इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ठीक कम से कम हमें भी तो पता चले कि कितने बहादुर बन रहे हैं आप लोग क्या हो सकता है इस छब्बीसवें प्रश्न का उत्तर हम्म कौन है बहादुर बताइए बताइए गुड लगभग लोग सही उत्तर बता रहे हैं ये विकल्प के रूप में आपका मामला सही होगा दो तीन एक चार तो कैलाश मंदिर आप लोग जानते ही हैं कि ये जो कैलाश मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है कैलाश मंदिर औरंगाबाद में स्थित है औरंगाबाद महाराष्ट्र का एक अति प्रसिद्ध जिला है तो इसमें ये कांची का कैलाश मंदिर नहीं है कांची तो अलग ही स्थान है केरल में है तो वो कांची नहीं है ठीक है कैलाश मंदिर दो हैं तो एक ये महाराष्ट्र का कैलाश मंदिर हो गया और एक कांची का है इसमें आप लोग देख रहे होंगे तो जो कांची है वो नहीं है और भूमरा का शिव मंदिर आपके सामने है और भूमरा का शिव मंदिर कहाँ पे है मध्य प्रदेश में स्थित है आज भी इसका एक तरीके से साक्ष मिलता है और ये बैकुंठ पेरुमल मंदिर है और ये आपको मिलेगा कहाँ पे तमिलनाडु में और विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश में आप लोग जानते हैं बाबा विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ तो औरंगजेब का जब टाइम पीरियड आता है तो औरंगजेब मुख्यतया वर्तमान में जो बनारस में भी वो केंद्र बन गया है कहीं ना कहीं एक तरीके से मंदिर मस्जिद वाला जो विवाद है है थोड़ा सा तो मेरी समझ में ये आता है कि जो औरंगजेब शासक रहता है ना तो औरंगजेब एक आर्डिनेंस लाता है और उस आर्डिनेंस यानी अध्यादेश द्वारा आप लोग देखेंगे तो पाएंगे कि दो क्षेत्रों के मंदिरों को तोड़वाने का आदेश देता है एक वाराणसी का और दूसरा मथुरा का तो ये जो बाबा विश्वनाथ का मंदिर है वो भव्य मंदिर के रूप में उत्तर प्रदेश में वाराणसी में स्थित है ठीक ए नंबर का विकल्प सही हुआ इसको देखिए कौन सा युग में सुमेलित है कौन सा युग में सुमेलित है ठीक है इसको बताइए ध्यान से पढ़िए और फिर बताइएगा ज्यादा ही ठंडी हो गई क्या अब बताइए <coughs> कौन सा क्वेश्चन नंबर है ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन नंबर का क्वेश्चन है और उत्तर किसके रूप में सही हो रहा है उत्तर बी के रूप में सही हो रहा है गुड संस्कृति वेरी गुड उदयगिरी की गुफा जो है वो कहाँ पे स्थित है ओडिशा में स्थित है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर बी एच एन जिसे आप लोग बोलते हैं ठीक है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर यहाँ पे उदयगिरी की गुफा आपको मिलती है उदयगिरी के संबंध में आप लोग जान लीजिए ऐसा मत समझिएगा ये उदयपुर में मिलती है ये ओडिशा में उदयगिरी की गुफा मिलती है कौन सा युग्म सुमेलित है कौन सा सुमेलित है अमरावती आपको मध्य में मिलेगा और भरहुत भी मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा बराबर की गुफाएं बिहार में मिलेंगे ठीक है इसीलिए ये तीनों गलत हो गए और जबकि उदयगिरी की गुफा थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन है कठिन नहीं है कन्फ्यूजन है जैसे अमरावती आप लोग अमरावती बौद्ध स्तूप की बात हो रही है तो ये महाराष्ट्र में ना स्थित होकर अमरावती डिस्ट्रिक्ट से मत लगाइएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला इसके अलावा भरहुत मध्य प्रदेश में बराबर आपको कहाँ पे मिलेगा बराबर आपको बिहार में मिलेगा ठीक है इसको देखिएगा प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर आज भी है और अत्यंत भव्य है ध्यान में रखिएगा इसको और बताइए इसका उत्तर क्या सही होगा इसमें कई बहादुर निकल के आ रहे हैं जो उत्तर बता रहे हैं राजा पांडे अट्ठाईसवें नंबर का प्रश्न है आपके सामने प्रगति पर विपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है प्रिंस राजपूत इंजा रानी चिंटी। ओहो कुछ लोग तो खा पी के भी आ गए सही बात है वेरी गुड बात है क्या होगा भाई हम्पी हम्पी का मतलब किससे हम्पी का मतलब ह... हम्पी का मतलब कर्नाटक से है और इसी हम्पी के खंडारों पे ही विजयनगर साम्राज्य का निर्माण हुआ था हम्पी जो कर्नाटक में स्थित है इसी के स्थान पे विजयनगर साम्राज्य का निर्माण हुआ था और यहां पे आपको आज भी विरूपाक्ष मंदिर मिलेगा अत्यंत भव्य मंदिर कर्नाटक के मंदिर थोड़ा सा कठिन प्रश्न ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा कठिन प्रश्न हाँ हाँ पढ़ाते हैं बहुत जगह पढ़ाते हैं बाबू कहाँ नहीं पढ़ाया है बहुत जगह पढ़ाया है आपके यहाँ भी पढ़ा रहे हैं बहुत दिनों से और पढ़ाएंगे भी आप लोग उत्तर बताइए प्रेम से क्या होगा भाई इसका उत्तर उनतीसवां प्रश्न आपके सामने है और इसका उत्तर होगा सी विकल्प के रूप में एक चार तीन दो ये विद्याशंकर मंदिर आपके सामने है और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है आंध्रा में स्थित है ठीक है राजा रानी का मंदिर है आपके सामने और ये उड़ीसा में स्थित है राजा रानी का मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर तो अत्यंत प्रसिद्ध है आप लोग जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश में ही स्थित है और भीमेश्वर का मंदिर ये कर्नाटक में स्थित है थोड़ा कठिन एक बार पुनः नजर दौड़ाइए विद्याशंकर मंदिर आंध्रा में स्थित है राजा रानी का मंदिर कहाँ पे स्थित है ओडिशा में स्थित है कंदरिया महादेव का अत्यंत भव्य मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है भीमेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है कर्नाटक में नाम से भी लग रहा होगा इसको पढ़िए अजंता की गुफा लेपाक्षी मंदिर और सांची स्तूप वित्तीय चित्रकला के साक्ष मतलब दीवालों पे चित्र बने हुए हैं ये जो गुफाएं है या हैं या क्षेत्र हैं यहाँ पे दीवालों पे चित्र बने हुए हैं किन, किन किन क्षेत्रों में बने हुए हैं ये बताइए किन किन क्षेत्रों में बने हुए हैं पे भित्ति चित्रकला के साक्ष मिलते हैं कहाँ पे भित्ति चित्रकारिता के साक्ष मिलते हैं हम्म बालक लोग भित्ति चित्रकला के साक्ष कहां, कहां से मिलते हैं कौन कौन बता सकता है तो इसमें बी उत्तर सही है ठीक है अस्तूप में तो एक तरीके से भित्ति चित्रकला का साक्ष्य नहीं सादगी की बात मिलती है हाँ बाह्य आवरण में थोड़ा सा अलंकरण की बात की जाती है लेकिन बहुत कम तो अजंता में तो मिलता ही है आप लोग जानते ही हैं लेपाक्षी मंदिर में भी मिलता है लेकिन अस्तूप में नहीं मिलता है जो सांची का अस्तूप है यहाँ पे भित्ति चित्रकारिता मतलब जो आंतरिक भाग है पे गर्भगृह है जहां पे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा तीस प्रश्न के आपके सामने क्या है उत्तर है ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा बुद्धिज्म का पीडीएफ आपको मिल गया कि नहीं जल्दी से बताइए टेलीग्राम चैनल पर हमारे बुद्धिज्म का पीडीएफ आपको मिला निश्चित रूप से मिला निश्चित रूप से मिल गया होगा क्योंकि हमने कहा था कि क्लास खत्म होने के दो मिनट बाद ही भेज देंगे और हमने भेज दिया तो वर्तमान में मैं पुनः आपको बताना चाहता हूं कि संस्थान में 11 तारीख तक फीस में छूट का ऑफर भी चल रहा है और अगर एक साल या डेढ़ साल के कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो तीन महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिलती है अगर दो साल या तीन साल का कोर्स आप लोग सब्सक्रिप्स के रूप में लेते हैं तो छह महीने एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलती है सबसे बढ़िया ऑफर इस समय चल रहा है इसी में आपको संस्थान बुक्स भी देता है अलग से कोई किताब आपको खरीदनी नहीं होती आपको टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग प्रॉपर इसमें मिलती और प्लस कोर्स का ये सब्सक्रिप्शन है जिसमें यूपीएससी का कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा और इसकी फीस यहाँ पे मेंशन है एक साल के कोर्स की फीस पचपन हजार पांच सौ सोलह यही फीस आपको लगेगी और इसमें हमारा रेफरल कोड आपके सामने एस एन जे डबल है आपको फीस में कहीं भी किसी भी कोर्स में अगर एडमिशन लेते हैं यूपीएससी में स्टेट कमीशन में यूजीसी में आई आई कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं अन एकेडमी में हमारा कोड आपके सामने दस प्रतिशत फीस में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और कहीं भी आपको दिक्कत होती है तो किसी ना किसी तरीके से यूपीएससी के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी प्रॉपर आपको जानकारी मिलेगी तो यहाँ पे इस हमारे रेफरल कोड का प्रयोग कीजिए एडमिशन लीजिए टेस्ट सीरीज भी है यहाँ पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है लोन के माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं लोन में आप लोग हमें फोन करते हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे लोन का आपसे कोई चार्ज नहीं लेता संस्थान लोन में आपको ये रिलैक्स मिल जाता है कि आप इकट्ठे फीस नहीं जमा करते आप आराम से किस्तों में मंथली फीस जमा करके पढ़ाई करते हैं अब ये कंडीशन संस्थान आपको तब देता है जब कुछ डॉक्यूमेंट्स आप लोग देते हैं इसमें और यानी कुछ पेपर वर्क यहाँ पे करना पड़ता है और थोड़ा सा ये जो डॉक्यूमेंट्स देते हैं इसके अप्रूवल में समय लगता है नॉर्मल ना, डॉक्यूमेंट है ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़े डॉक्यूमेंट है सिंपल आप तुरंत इसको दे सकते हैं और आराम से किस्तों में फीस जमा करके पढ़ाई कर सकते हैं इकट्ठा फीस आपको नहीं जमा करना होगा और इसका संस्थान खास बात है कि कोई आपसे चार्ज भी नहीं लेता तो लोन के द्वारा एडमिशन ले सकते हैं आप सभी लोगों में से कोई भी एडमिशन ले सकता है और आज की मुलाकात बस इतनी बहुत बहुत धन्यवाद कल भी मिलेंगे आपको चार बजे यूट्यूब पे कल भी आपको चार बजे मिलेंगे और तीस प्रश्न हम लोगों ने कला एवं संस्कृति में किया ठीक है किसी को कहीं कोई शक किसी को कहीं कोई कुछ पूछना है अच्छा हाँ कला एवं संस्कृति में अगर आपको बुक्स लेना है तो नितिन सिंघानिया साहब की प्रसिद्ध किताब है उसी को पढ़ना आप लोग स्पेक्ट्रम मत पढ़ना जैसे स्पेक्ट्रम भी कला एवं संस्कृति की आ गई उसको मत पढ़ना कला एवं संस्कृति में आधुनिक भारत की ठीक मेरी समझ से और नितिन सिंघानिया की किताब को आप लोग पढ़ते रहना एक एनसीआर अगर आप लोग चाहो तो अः एनसीआर की साइट से डाउनलोड कर सकते हो और दिल्ली या इलाहाबाद या लखनऊ यानी कैपिटल सिटीज में आप हैं तो एक एनसीआर है ग्यारहवीं क्लास की फाइन आर्ट की एन हमने यूट्यूब पर पढ़ाया भी है आप सर्च कर सकते हैं उसे और उसका पीडीएफ या उसको बुक के फॉर्मेट में ले लीजिए ललित कला की एन सी आर टी है फाइन आर्ट का मतलब होता है ललित कला उसको पढ़ लीजिए वो कला एवं संस्कृति की एन सी आर टी अस्थापत्य कला चित्रकला और मूर्ति कला का मुख्यतः उसमें इतिहास मिलता है तो यही दोनों किताबें पढ़िए और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है बाकी आप लोग बहुत अच्छे हैं मुझे पता है और बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया को लाइक कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे सेंड कर दीजिए फटाफट -फर्त, बिना देरी के हुए है कोई प्रश्न अगर है कोई क्वेश्चन है कोई प्रश्न तो सेंड कीजिए चलाइए प्रश्नों के तीर कमेंट करके जरूर बताइएगा किसका कितना क्वेश्चन सही हुआ ठीक ओके ओके बहुत बहुत धन्यवाद कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग सेंड कीजिए एक आध दो मिनट हैं अभी आपके साथ है कोई प्रश्न ठीक है ठीक है डेली तो क्लास नहीं हो पाएगी लेकिन गैप के बाद में होती रहेगी दूसरे तीसरे दिन बाद आर्ट एंड कल्चर की क्लास होती रहेगी ओके अच्छा सुनील काफ़ी क्वेश्चन बता दिए तुमने तो कमेंट में बताइएगा अच्छा सुरुचि वेरी गुड यूपीएससी में कलायम संस्कृति से छः सात क्वेश्चन तो आ सकते हैं ध्यान रखना आप सभी लोग कलायम संस्कृति से क्वेश्चन छः सात आ सकते हैं और भी आ सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं आएंगे और भी आ सकते हैं बाकी यूपीएससी तो यूपीएससी है उसके बारे में फ़ाइनली कुछ नहीं कहा जा सकता उसके बारे में फ़ाइनली कुछ नहीं कहा जा सकता हाँ कल क्लास टाइम वेप पर ग्यारह बजे होगी रोहित ग्यारह और बारह बजे आज सुबह इंटरनेट के कारण टेस्ट भी नहीं हो पाया था और संडे भी था तो संडे था तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाती है और किसी का कोई प्रश्न तो बढ़ते हैं भाई कदम क्लास की समाप्ति की तरफ बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुभ रात्रि आराम कीजिए सुबह मिलते हैं ठीक है ओके बाय बाय रात्रि गुड नाइट